रामचंद्राय नमः। ॐ नमो भगवते रामचंद्राय। ॐ नमो भगवते रामचंद्राय। ॐ नमो भगवते रघुवंशनाथम् कारुण्यरूपं करुणाकरणं श्रीरामचंद्रं शरणं प्रपद्ये। श्री राम सब जग जानी करूं प्रणाम जोरी जुग पानी जनक सुता जग जननी जानकी अतिशय प्रिय करुणा निधान की ताके जुग पद कमला जासो कृपा निर्मल मति पावा मनोजव मारुततुल्य वेगम जितेन्द्रियं बुद्धिमता परिष्टम् वातात्मजं वानरयुक्तमुख्यम् श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। बुद्धिहीन तनुजा सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहुहि हरहु कलेश विकार। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधा वरनौ रघुवर विमल जसो सोदायक पल प्रसन्नताम्या नगता विषेक तथा न ममले वनवास दुःखदं मुखाम्बुजसि रघुनंदन सदास्तु सामंजुलमंगलप्रद नीलाम्बुजस्या मलको मलांगो सीता समारो पितमाम भागं पाणो महाशायक चा
रघुवंशनाथम राम चरण रति जो चह अथवा पद निर्माण भाव सहित जो यह कथा करो श्रवण पोट पा नमो विष्णु पादाय कृष्ण प्रेष्णाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात देशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ इस्कॉन मंदिर के द्वारा प्रतिष्ठापित 5 दिवसीय इस राम कथा में और कथा के आज पूर्णावती के दिन आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत करते हैं, विशेष रूप से स्वागत करते हैं भरत भाई का जो कि इस समय माता मंदिर के ट्रस्टी में है। हम श्री राम कथा का श्रवण पिछले 4 दिनों से और आज 5वां दिवस ये 5 दिन का जो संकल्प लिया गया आज वो संकल्प जो है पूर्णावती की तरफ बढ़ रहा है। भगवान श्री राम की प्रसन्नता के लिए और अयोध्या में श्री राम लला के प्रतिष्ठा दिवस जो अभी अभी संपन्न हुआ गत 22 तारीख को, उनके इस प्रतिष्ठा दिवस के इस शुभ अवसर पे पूरे वापी के सभी भक्तों की तरफ से ये 5 दिन का श्री राम कथा उत्सव का जो आयोजन किया गया, आज हम प्रभु श्री रामचंद्र के चरण कमलों में ये 5 दिन का जो हमारा ये समर्पण रहा है, जो संकल्प रहा, हम जो है प्रभु रामचंद्र की प्रसन्नता के लिए हम उनको आज समर्पित करेंगे। आज वैसे तो पूरे भारत में गणतंत्र दिवस मनाया गया, वैसे भारत
जो है 15 अगस्त के दिन स्वतंत्र हुआ। आप सभी को मालूम है कि भारत जो है अंग्रेजों के द्वारा हर लिया गया था। भारत उधर कौन है थोड़ा सा देखना। भारत को स्वतंत्रता मिली 15 अगस्त को और आज 26 जनवरी है। 26 जनवरी के दिन जो है हमारा भारत में संविधान को लागू किया गया। आज पूरे भारत में एक गणतंत्र दिवस को मनाया गया। वैसे भारत में जो लोग भी जन्म लिए हैं वो बड़े भाग्यशाली हैं। हम राम कथा का श्रवण कर रहे हैं। राम कथा स्वयं भगवान श्री रामचंद्र ने कहा, बड़े भाग्य मानुष तन पावा। ये मनुष्य जो देह है बड़े भाग्यशाली को प्राप्त होता है। 84 लाख प्रकार की योनियां हैं और उसमें से सबसे कम मात्रा में जो है वो मनुष्यों की संख्या है। अनेक जन्मों के बाद पुनरपि जन्म पुनर अभि मनरम पुनर अभि जननी जठरे शयनम यह संसारे है दुखाल। अनेक जन्मों के बाद विचरण करते 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 ये मनुष्य शरीर प्राप्त हुआ है और ये मनुष्य शरीर जो हमें प्राप्त हुआ है ये बहुत ही भाग्यशाली को ही प्राप्त होता है। इसलिए प्रभु रामचंद्र ने कहा, बड़े भाग्य मानुष्य तन पावा। मनुष्य तन पाकर अगर हम इस शरीर को इस जीवन को अगर भगवान के लिए नहीं लगाया तो ये मनुष्य जीवन व्यर्थ हो जाएगा। एक तो बड़े सौभाग्य से ये मनुष्य जीवन प्राप्त हुआ और उसमें भी भारत भूमि में जन्म प्राप्त करना ये तो मानो वैसे है जैसे सोने पे सुहागा है। भारत भूमि में जन्म लेना बड़ा सौभाग्य की बात है क्योंकि बड़े बड़े ऋषि इस भारत में जन्म लिए। बड़े बड़े ऐसे व्यक्ति आज पूरा देश गणतंत्र दिवस जो मना रहा है। बड़े बड़े वीरों के जो उनका उन्होंने अपने जीवन को त्याग दिया इस देश की सुरक्षा के लिए भारत की सुरक्षा के लिए वीर गति को प्राप्त हुए। ऐसे बड़े बड़े वीर जो है इस भारत में हुए, छत्रपति शिवाजी, जगदीश चंद्र बोस, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह और अनेक ऋषि, वेदव्यास ऋषि, सूत गोस्वामी और अनेक ऐसे इस भारत भूमि में अनेक ऋषियों का जन्म जिनके हम कर्ज को कभी चुका नहीं सकते हैं लेकिन जब भी ऐसा कोई दिन आता है तो एटलीस्ट हम उनको याद तो कर सकते हैं ना। ऐसे ऐसे वीरों से धरती भरी पड़ी है। ऐसे भारत भूमि में सभी प्रकार के चीजें भारत भूमि में ही प्राप्त हो जाता है और देखा जाए तो ये भारत ही पूरे विश्व के ऊपर राज करता है। भारत में सब कुछ है। बड़े बड़े जो आज शहर हैं, यूके, अमेरिका, लंदन इत्यादि कितने बड़े बड़े शहर है, आधुनिक रूप से विज्ञान में अनेक प्रकार से रूप में आगे हैं लेकिन आप अगर थोड़ा से भी विचार करेंगे तो उनके उन बड़े बड़े पोस्टों पे भी भारत वर्ष के व्यक्ति ही बैठा हुआ है। भारत का व्यक्ति ही बैठा हुआ है। भारत में ज्ञान है, विज्ञान है, हर एक चीज, ऋषि मुनियों की शक्ति है, बड़े बड़े वीरों से भरा ये भूमि। बड़े सौभाग्यशालियों को भारत में जन्म प्राप्त होता है। भागवत के 5वें स्कंद में वर्णन है कि देवतागण भी इस भारत में जन्म लेना का चाहते हैं। देवतागण भी
लालायित रहते इस भारत में जन्म लेने के लिए। ऐसी पवित्र ये भारत भूमि जिसका हम आज भारत के लोग सब लोग गणतंत्र दिवस को सेलिब्रेट किए। किसी ने हमारे एक महान साधु भागवत के महान विद्वान जिनका जीवन ही भागवत है, ऐसे परम पूज्य राधा गोविंद गोस्वामी महाराज एक बार विदेश की धरती में कथा कह रहे थे, तो उनको एक व्यक्ति ने प्रश्न पूछा कि महात्मा जी, भगवान के जितने भी अवतार हुए, आपने वर्णन किया भगवान के अवतारों की कथा, हमने देखा कि भगवान के जितने भी अवतार सब भारत में, भगवान का अनेक ऋषियों का अवतार, सब ऋषियों का अवतार भी भारत में, भगवान के एक भी अवतार विदेश की धरती पे नहीं हुआ। तो महाराज ने इसका उत्तर में यह कहा कि भगवान को जन्म लेने के लिए एक अच्छे माता पिता की जरूरत होती है, और वो अच्छे माता पिता केवल भारत भूमि में ही मिलते हैं और कहीं नहीं मिलते हैं। ये है हमारे भारत भूमि की महिमा। विदेशों में शादी किया, आजकल डिवोर्स, दूसरे दिन फिर से दूसरा शादी, कौन किसका बच्चा, क्या कुछ पता नहीं। हम सभी बड़े सौभाग्य की बात है, अपने आप को सौभाग्यशाली मानना चाहिए कि हमको ऐसे भारत भूमि में हमको जन्म प्राप्त हुआ है। हम बड़े ही सौभाग्यशाली हैं, इसलिए इस भारत भूमि में जन्म लिया। तुम्हारे चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, भारत भूमि जन्म हैल्या मनुष्य जन्म जार, कि भारत भूमि में जन्म लिया है तो अपने जन्म को सार्थक करो। बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी मिल रहा है जन्म को सार्थक करने का। छोड़ दो उन विदेशियों का, पश्चिमों का अनुगमन करना, क्योंकि भारत की जो संस्कृति है वो संस्कृति को अगर हम पकड़ेंगे तो वो संस्कृति हमारे मनुष्य जन्म को सार्थक करा देगा। हमारे भारत भूमि की ये संस्कृति है, इसलिए इस भारत भूमि में अगर जन्म लिया है तो चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, जन्म सार्थक करे कर पर उपकार। अपने जन्म को सार्थक करो और उपकार करो, दूसरे को ले जियो। देखिए, जीते तो बहुत लोग हैं, अपने लिए जीना एक हो ही बहुत बड़ी बात नहीं है। अपने लिए तो जानवर भी जीता है, तो हमारे और जानवर में क्या अंतर है? जानवर भी, कुत्ते बिल्ली अनेक प्रकार के जो चार पैर वाले जानवर है, वो भी जीवन जीते हैं, अपने लिए जीते हैं, और हम भी अपने लिए जीवन जिए, तो उनमें और हम में क्या अंतर है? इसलिए इस मनुष्य जीवन को सार्थक करना चाहिए और दूसरे को लिए जीवन जीना चाहिए। आप लोगों ने सुना ना, जब कल शिव जी पार्वती जी को कथा सुना रहे थे, जब पार्वती ने कहा कि मुझे कथा श्रवण कराइए, तो उसमें शिव जी ने क्या कहा, धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, तुम जैसा ना कोई और उपकारी, तुम्हारे जैसा कोई उपकारी व्यक्ति है ही नहीं। मतलब तुम जो एक कथा श्रवण करने का सोचा है, इससे बड़ा उपकार और कोई हो ही नहीं सकता है संसार में। हमारे जीवन को सार्थक करना चाहिए और जीवन को सार्थक करके दूसरे को लिए जीवन जीना चाहिए। वो जीवन ही क्या जो अपने लिए जिया जाए, कोई काम का नहीं है। और जीवन अपने लिए जिए तो मनुष्य जीवन को गवां बैठेंगे। अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ के संस्थापकाचार्य His Divine Grace AC भक्तिवेदांत स्वामी शील प्रभुपाद, जिनकी छवि आपको यहाँ पे दिख रही है, वो कहते हैं कि मनुष्य जीवन जो है एक जंक्शन के समान है। जंक्शन जानते हैं ना, रेलवे स्टेशन का जंक्शन होता है ना, वापी जंक्शन नहीं है, लेकिन सूरत जंक्शन है, मुंबई में जंक्शन है।
जंक्शन वो स्थान होता है जहां पे जहां से चारों दिशाओं के लिए ट्रेन जाती है। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि मनुष्य जीवन एक जंक्शन के समान है, क्योंकि उस व्यक्ति के पास ये मौका है कि वो नरक में जा सकता है, वैकुंठ में जा सकता है, कहां जाना है उसके पास ये अपॉर्चुनिटी मिला हुआ है। ये मनुष्य जीवन में ये फैसिलिटी उपलब्ध है। अब डिसाइड हमको करना है कि हमको कहां जाना है, हम कौन सा रास्ता चुनते हैं, ये हम सभी को डिसाइड करना है। लेकिन भक्तों, भारत में जहां आज गणतंत्र दिवस मनाया जा रहा है, इसलिए इस बातों को मैं स्मरण किया, ये भारत भूमि जो है बड़ी पवित्र भूमि है, ऋषियों का संतों का देश है, इसलिए अपने जन्म को सार्थक करें, ये मनुष्य जीवन का उद्देश्य होना चाहिए। हम गत सत्र में राम कथा के का श्रवण करते हुए हमने देखा, भगवान राम के जन्म की कथा का वर्णन हमने सुना कल गत सत्र में, और साथ साथ में भगवान ने किस प्रकार अहिल्या का उद्धार किया ये भी हमने सुना। राम जन्म की कथा, अहिल्या उद्धार, विश्वामित्र मुनि के यज्ञ का की रक्षा, उनका यज्ञ पूर्ण, इन सारी कथाओं का वर्णन हम सबने कल श्रवण किया। हमने भगवान ने जन्म लिए रघुकुल में, जिसके कारण वो रघुपति कहलाए, और कौशल्या ने जब उनको पुकारा, कल कौशल्या पुकारी ना, राम को कौशल्या ने पुकारा, किस नाम से पुकारा, ए मेरे राघव। कौशल्या बड़े प्रेम से राम को राघव कहते थे कि मेरे राघव। कौशल्या ने नाम दिया राघव, रघुपति, रघुकुल में जन्म लेने के कारण रघुपति। मां कौशल्या ने नाम दिया बड़े प्रेम से राघव, तो राघव नाम पड़ा। अयोध्या के राजा राम हैं, बनेंगे या राजा हैं वो, इसलिए उनका नाम क्या पड़ा, राजा राम। रघुपति, राघव और राजा राम। कल हमने सुना कि जो है भगवान ने अहिल्या का उद्धार किया, और अहिल्या का उद्धार करने के बाद जो है इनका नाम पड़ा पतित पावन। पतितों का पावन करने वाले भगवान ने अहिल्या का उद्धार किया। यहाँ रखना चाहिए, देखो मेरा ये कनेक्शन नहीं हो रहा है, ये नीचे कर देता हूँ, ऐसा कर सामने आ रहा है। सब पहले से तैयारी रखना चाहिए, कथा के बीच में नहीं करना चाहिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवान ने अहिल्या का उद्धार किया, उनका नाम पड़ा पतित पावन। रघुपति, राघव, राजा राम, और काल नाम पड़ा पतित पावन। अब एक नाम क्या बचा, क्या बचा, सीताराम। तो आइए हम उस सीताराम, अब राम जी का तो प्राकट्य हो गया है, लेकिन अभी सीता साथ में आएंगी, तो आज हम भगवान का सीता के साथ विवाह के प्रसंग को सुनेंगे। और हमारा जो ये संकल्प था कि रामलला के प्राकट्य दिवस पे जो ये गोस्वामी के जी के द्वारा जो रचित
जो है सात कांड रामायण के, उसमें से मैंने प्रथम कांड को जो चुना, बाल कांड को, क्योंकि बाल राम की स्थापना हुई, इसकी वजह से बाल राम का जो हमने ये संकल्प लिया, ये सीता राम जैसे ही प्रभु बनेंगे ना, सीता के साथ विवाह होगा, ये बाल कांड का ये जो संकल्प जो है पूर्ण होगा। अहिल्या उद्धार के बाद जो है विश्वामित्र राम लक्ष्मण को लेकर जो है अब जो वो जनकपुर के लिए लेकर निकले हैं। जनकपुर का वर्णन करते हुए गोस्वामी जी कहते हैं, पूरा ध्यान, आज टाइम बहुत कम है, नो डिस्टर्बेंस किसी भी प्रकार का। गोस्वामी जी वर्णन करते हैं जनकपुर का, आइए हम गोस्वामी जी के पीछे पीछे जनकपुर नगरी का वर्णन, जहां पे सीता माता निवास कर रही हैं। पुर नर नारी सुभग सोचि संता, पुर नर नारी सुभग सोचि संता, पुर नर नारी सुभग सोचि संता, पुर नर नारी सुभग सोचि संता। जनकपुर का वर्णन कर रहे हैं गोस्वामी जी। गोस्वामी जी ने जनकपुर का वर्णन करते हुए कि वो जनकपुर नगरी जहाँ पे जनक महाराज निवास करते हैं, और वो नगरी में केवल जनक ही राजा ही नहीं बल्कि अनेक साधु संत भी निवास करते हैं, उस नगरी का वर्णन करते हुए गोस्वामी जी कहते हैं, पुर नर नारी सुभग सोचि संता, पुर नर नारी सुभग सोचि संता, धर्मशील ज्ञानी गुणवंता, धर्मशील ज्ञानी गुणवंता। सीता के गांव का वर्णन हो रहा है। भगवान रामचंद्र अब इस गांव में प्रवेश करने वाले हैं जनकपुर में। सीता के गांव का वर्णन करने से पहले, सीता का वर्णन करने से पहले गोस्वामी जी सीता के गांव का वर्णन करते हैं। जैसे किसी व्यक्ति को समझना है तो पहले उस स्थान को समझना पड़ेगा, जैसे ब्रजराज को समझना है तो पहले ब्रज को समझना पड़ेगा, तब हम ब्रजराज को समझ पाएंगे। सीता का गांव का वर्णन कर रहे हैं कि जो है सीता का गांव जो है बड़ा पवित्र गांव, जहां पे जनक महाराज राज कर रहे हैं। सीता का महिमा का वर्णन करते हैं गोस्वामी, अनेक चौपाइयों में वर्णन करते हैं कि सीता संसार के, सीता का महिमा का वर्णन करते हुए अगर इसको सार के रूप में अगर समझे सीता की महिमा को, तो सहन शक्ति, इस संसार में जितना भी सहन शक्ति है, इस संसार के सारी सहन शक्ति को इकट्ठा कर लीजिए, इस संसार के सारी सहन शक्ति को इकट्ठा कर लीजिए और उसका जो मूर्तिमान स्वरूप बने वह है माता सीता। पुर नर नारी सुभग सोचि संता, पुर नर नारी सुभग सोचि संता, धर्मशील ज्ञानी गुणवंता, धर्मशील ज्ञानी गुणवंता। विश्वामित्र मुनि राम लक्ष्मण के साथ जनकपुर में प्रवेश कर रहे हैं। जनकपुर में प्रवेश करते समय जैसे ही ये समाचार जनक महाराज को मिला, और गोस्वामी जी वर्णन करते हैं, विश्वामित्र महामुनि आए, विश्वामित्र महामुनि आए, विश्वामित्र महामुनि आए, समाचार मिथिला पति पाए, समाचार मिथिला पति पाए,
ऐसे ही मिथिलापति जनक महाराज ने समाचार मिला कि विश्वामित्र आए हैं। विश्वामित्र मुनि का प्रवेश, मिथिलापति जनक महाराज अनेक कार्यों में व्यस्त थे, लेकिन जैसे ही समाचार मिला मिथिलापति विश्वामित्र जो है मानो दौड़ पड़े मुनि का स्वागत करने के लिए, उनके चरण कमलों में गिरे, उनको प्रणाम किया। देखिए ये होता है राजा, पहले संसार में है, संसार को चलाने वाला जो राजा होता था ना, वो लोक मत के साथ साथ ऋषि मत को भी प्रणाम करता था, ऋषि मत ऋषियों के मत को भी लेकर राजा चला करता था। लेकिन आज के समय में केवल लोक मत को सुना जाता है। अब पिछले कुछ 10 सालों से ऋषि मत को सुना जा रहा है, जिसके कारण आज ऐसे दिन देखने के लिए मिले क्योंकि ऋषियों के मत को सुना जा रहा है, तब ये दिन देखने के लिए मिला। लेकिन जब तक ऋषियों का मत सुना जाएगा संसार जो है बहुत सुंदर तरीके से चलेगा। जैसे ही मिथिलापति जनक महाराज ने ये देखा कि विश्वामित्र आए, तुरंत उनके चरण कमलों में दंडवत प्रणाम किए, और जनक ने देखा कि विश्वामित्र के साथ दो बड़े सुंदर सुंदर बालक हैं। इतना जनक ने देखा कि जैसे इन बालकों को देखा तो उनका मन जो है बड़ा प्रसन्नित होने लगा, बड़ा आनंद में होने लगे और एकदम आकर्षण उनके प्रति बढ़ने लगा। उन दोनों बालकों के ऊपर जो है मिथिलापति जनक महाराज की आंखें टिकने लगी और उनका सहज ही उनमें अनुरक्ति जागने लगा। और गोस्वामी जी कहते हैं सहज मीरा लोक मन मोरा, सहज राग रूप मन मोरा, गिना होत जिम चंद चकोरा, होत जिम चंद चकोरा। विश्वामित्र मुनि जैसे ही राम लक्ष्मण को लेकर आए, जनक ने देखा इन दोनों बालकों को, उनकी सहज मति रति जो है इन दोनों में लगने लगी, बड़ा अच्छा लगने लगा उनको। और विश्वामित्र ने मिथिलापति जनक महाराज ने जैसे प्रणाम किया और उनकी दृष्टि राम लक्ष्मण के ऊपर लगी, और तुरंत ही विश्वामित्र ने जो है राम और लक्ष्मण का परिचय देने लगे। विश्वामित्र राम लक्ष्मण का परिचय देते हुए कहते हैं कि हे मिथिलापति, ये जो दोनों बालक हैं ये राजा दशरथ के पुत्र हैं दोनों। जनक ने जैसे ही देखा इन दोनों बालकों का तो उनकी सहज प्रीति अनुरक्ति जो है इनमें लगने लगी, और उन्होंने विचार करने लगे कि काश ये दोनों बालक मेरे पुत्र होते। कल मैं कह रहा था ना भगवान के साथ संबंध स्थापित करना चाहिए। जनक महाराज की आसक्ति कैसा होने लगा कि काश ये मेरे पुत्र होते, मेरा बेटा होता। लेकिन जनक ने सोचा कि ये दोनों मेरे बेटे तो बन नहीं सकते हैं और मैं इनका गुरु बन नहीं सकता हूं क्योंकि गुरु ऑलरेडी विश्वामित्र जी हैं, तो मैं इनके साथ कैसे संबंध स्थापित करूं। जनक ने मन ही मन सोचा बेटा नहीं बन सकते क्योंकि वो तो दशरथ का है, गुरु नहीं बन सकता क्योंकि वो तो विश्वामित्र जी हैं, लेकिन मैं ससुर जरूर बन सकता हूं। मन ही मन संकल्प चलने लगा संबंध स्थापित करना भगवान के साथ। भगवान को जब हम भगवान कहते हैं ना तो उनको उतना अच्छा नहीं लगता है, लेकिन भगवान को अपना सखा कहते हैं, अपना प्रियतम कहते हैं, अपना जब संबंध स्थापित करके कहते तो वो भगवान को बहुत अच्छा लगता है। इसलिए भगवान के साथ संबंध स्थापित करना चाहिए। जो आज जनक मन ही मन संबंध स्थापित कर रहे हैं कि मैं इनका ससुर जरूर बन सकता हूं। राम जनकपुर में पहुंचे हैं और राजा जनक ने क्या किया, सुंदर
जो है व्यवस्थाएं प्रदान की अपने महल में। वाता गोस्वामी जी कहते हैं वातानुकूलित, एकदम सुंदर वातावरण वाला जो है कमरा प्रदान किया इन सबके लिए, रात्रि निवास किए। और सुबह जब उठे तो राम ने जो है कहने लगे कि हमको थोड़ा जनकपुर देखना है। जनकपुर देखने की इच्छा को लेकर जो है गुरु के पास गए, विश्वामित्र के पास जाकर निवेदन करने लगे कि गुरुवर जो है लखन जो है जनकपुर देखना चाहता है। लखन जी पीछे भी सुन रहे हैं, मैंने तो ऐसा कुछ बोला नहीं लेकिन निवेदन कर रहे हैं कि जनकपुर को हम देखना चाहते हैं, आप मुझे हमें आज्ञा दीजिए। आज्ञा ले रहे विश्वामित्र से। विश्वामित्र ने से जैसे ही आज्ञा लिए, विश्वामित्र एक बार में आज्ञा दे दिए। क्यों पता है? क्योंकि भगवान राम जो है ये मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान है। राम ने जब जाने की बाहर इच्छा व्यक्त की तो उनको परमिशन मिल गया, लेकिन कृष्ण ने इच्छा व्यक्त की तो उनको जाने नहीं मिल रहा, छोड़ ही नहीं रहे। नंद महाराज और यशोदा मैया नहीं छोड़ रहे। क्यों? ये सीधे ठाकुर है, ये टेढ़े ठाकुर है। विश्वामित्र ने परमिशन दिया क्योंकि ये सीधे जाएंगे, सही जाएगा, सही कार्य करके आएगा। और नंद महाराज यशोदा मैया को विश्वास नहीं था, ये टेढ़ा है, टेढ़ा मिला जाए कि जब गटर में गिर गया तो राम कृष्ण दोनों एक है, अंतर नहीं विशेष, राम के नेत्र गंभीर है, कृष्ण के चपाल विशेष। तुरंत परमिशन मिल गया, अब राम और लक्ष्मण दोनों जो है जनकपुर देखने निकले। जैसे जनकपुर देखने निकले तो महलों से अनेक स्त्रियों ने इन दोनों बालकों को देखा। सोचिए, जनक का मन जब इन बालकों में लगा तो जनक मन ही मन कितना संकल्प करने लगे। ओ जनक जो वैराग्य के मूर्तिमान स्वरूप है, अगर वैराग्यों की चर्चा होती है तो जनक का नाम पहले आता है। ऐसे जनक के मन इनमें लगा तो सोचिए कि उन स्त्रियों का मन कैसा इन बालकों में लगा होगा। स्त्रियां जो है अपने महलों से, अपने अटारियों से देख रही हैं इन दोनों सुंदर बालक को और मन ही मन विचार कर रही हैं कि काश ये दोनों बालक मेरे पुत्र होते, क्या काश जो है ये मेरा पति होता। कुछ स्त्रियां पति का चिंतन करने लगी, हमारा पति होता। लेकिन क्या ऐसी स्त्रियां भी चिंतन कर रही हैं जो ऑलरेडी साधुशुदा हैं, वो भी चिंतन करे काश ये हमारा पति होता। कोई एक स्त्री कह रहे कि सखी सखी जो है ये तो हमारा पति बन नहीं सकता है, लेकिन अगर ये सीता का पति बन जाए तो बहुत अच्छा हो जाए। एक सखी बोलते कि ये सखी सीता का पति बनने में हमको क्या लाभ। तो समझा रहे कि सखी देखो, अगर ये सीता का पति बनेगा, हमारा तो बन नहीं सकता है, अगर सीता का पति बनेगा तो विवाह के बाद ना व्यक्ति का ससुराल का चक्कर ज्यादा होता है, वो तो ससुराल के इर्द गिर्द घूमता रहता है। और विवाह के बाद ये ससुराल में जब आएगा ना तो एटलीस्ट हम इसको देख के अपने आंखों को तुष्ट करेंगे और अपने आंखों को संतुष्ट करेंगे और परम आनंदित होंगे, इसलिए सीता का पति बन जाए। इस प्रकार का संकल्प विकल्प चल रहा है उस जनकपुर के स्त्रियों के मन में। धीरे धीरे ये जनकपुर का दर्शन हो गया। अब जो है शाम हुआ तो राम ने कहा कि लखन जल्दी जाना चाहिए, अभी हमको शाम हो चुका, नहीं तो क्या होगा, गुरुजी चिल्लाएंगे, डांटेंगे। पहले गुरुजनों को देखकर एक डर रहता था, हमने भी पढ़ाई किया तो उस समय हम देखे कि एक स्वाभाविक डर, अगर टीचर दिख गए कि उधर से आ रहे हैं तो छुप जाते थे गली में कि टीचर आ रहे हैं। गुरुजनों के प्रति एक बड़ा सम्मान का भाव, उनसे डर हमेशा बना रहता था। लेकिन आज के समय में टीचर अगर थोड़ा से भी गुस्सा करे तो उसको
दो झापड़ लगा देता है स्टूडेंट, केस कर देता है, केस फाइल कर देता है। आज का गुरुजनों का इस प्रकार से सम्मान होता है, बदल गया है समय। जनकपुर से देखने के बाद राम लखन आए, वापस आ गए, उस दिन रात्रि निवास किए और दूसरे दिन जो है फिर से सुबह पुष्प चयन करने के लिए राम और लखन दोनों जो है पुष्प चयन करने के लिए, क्योंकि सुबह पूजा पाठ करने के लिए पुष्प चयन करना है जो है, तो पुष्प चयन करने के लिए पुष्प वाटिका में निकले। यहां लखन निकले, राम लखन निकले, राम और लक्ष्मण। उधर जो है सीता जो है गिरजा पूजा के लिए निकली थी और उनको भी पुष्प लगने वाला था, इसलिए उसी पुष्प वाटिका में सीता भी प्रवेश किए। राम जो है उस पुष्प वाटिका में पुष्प चयन कर रहे, सीता अपनी सहेलियों के साथ उस पुष्प वाटिका में आई हुई है। एक सहेली ने राम का दर्शन किया, राम को देखा और राम को देखकर जो है सीता के पास जाकर कह रही कि सखी, इस पुष्प वाटिका में ना बड़ा सुंदर एक व्यक्ति है, देखने में मन मोहित हो जाता है। सीता का हाथ पकड़कर वो सखी लेकर आती है और प्रथम मिलन उस पुष्प वाटिका में, सीता और राम का मिलन प्रथम मिलन हुआ। अब ये सारे चौपाइयों में गोस्वामी जी वर्णन करते हैं, लेकिन आज पूर्णावती का दिवस है इसलिए हम कम चौपाइयों का कह रहे हैं। दोनों का मिलन प्रथम सीता और राम का मिलन हुआ और जब लेट होने लगा, क्योंकि गिरिजा पूजा के लिए निकली थी सीता और पुष्प का चयन करने के बाद जो है वो तुरंत ही निकली गिरिजा पूजा के लिए। और इधर राम जो है लक्ष्मण को कह रहे कि लखन एक बात मैं तुमसे कहना चाहता हूं कि जब से मैंने सीता को देखा है मेरा मन जो है सीता में लग चुका है। लखन मुझे एक गुरुकुल अपने रघुकुल के ऊपर इतना विश्वास है कि रघुकुल का मैं जन्म लेने वाला एक व्यक्ति का भी किसी पराई स्त्री के ऊपर विचार तक नहीं जाता है। लखन आज मेरा विचार जो है मन जो है सीता में लगा। तो लखन इससे पता चलता है कि कल जो है सीता तुम्हारी भाभी बनने वाली है। भगवान ने बोला कल बनने वाली है, लेकिन कल का हमारा टाइम नहीं है तो हम आज ही बनाएंगे भाभी। इस प्रकार जो है राम जो है लक्ष्मण को कह रहे हैं कि रघुवंश सिंह कर सहज सुभाव मन कुपंत पगो धर ही न कहूं। मन जो है किसी पराई स्त्री पे लग नहीं सकता हम रघुवंशियों का, इसलिए जो है ये सीता जल्द ही तुम्हारी भाभी बनने वाली है। सीता उधर गिरिजा पूजा के लिए गई और सीता का भी मन राम में इतना लगा कि अब गिरिजा पूजा करते समय वो प्रार्थना कर रही है, माता पार्वती से प्रार्थना कर रही है, गणेश जी से प्रार्थना कर रही है कि मेरा विवाह अगर हो तो जिस राजकुमार का आज मैं दर्शन किया उसी के साथ मेरा विवाह हो, ऐसा प्रार्थना सीता ने भी किया। और सीता ने सुंदर गणेश जी का स्तुति किया और ऐसा वर्णन करते हैं गोस्वामी जी कि वो मूर्तियां प्रकट होकर सीता के सामने और आशीर्वाद दिया कि तुम्हारा विवाह राम के साथ होगा। सोचिए अगर प्रार्थना हो, स्तुति हो, हृदय में भाव हो ना, ये मूर्ति भी प्रकट होके बोलती है। इधर राम जी अपने गुरु जी के पास पहुंचे, प्रथम मिलन, लेकिन सारा व्याख्यान जो है गुरु जी का चरण दबाते दबाते राम ने सब कुछ बता दिया किस प्रकार से पुष्प वाटिका में मिलन हुआ आज। और मन ही मन जो है विश्वामित्र सोचे कि कोई चिंता नहीं, मन ही मन सोच रहे कि आगे चल के तो तुम्हारी पत्नी बनने वाली है। सुबह हुआ, विश्वामित्र जनक की जो सभा लगी थी, जिस सभा में बड़े बड़े राजा सीता को प्राप्त करने के लिए आए थे, क्योंकि जनक ने क्या किया था, स्वयंवर की रचन किया था, स्वयंवर,
सीता का स्वयंवर रखा था और शर्त क्या दिया था कि जो शिव धनु है जो जनक के पास था, जो उसका भंजन करेगा या उसको उठाएगा उसी के साथ किसका विवाह होगा? सीता के साथ। जनक सुबह जनक के सभा में विश्वामित्र राम और लक्ष्मण को लेकर जा रहे हैं। ऐसी ही पूरी सभा भरी हुई है, संसार के सभी राजा महाराजा सब लोग उपस्थित थे और सब लोग के मन में भाव था, क्योंकि ये जो यज्ञ रखा गया था धनुष यज्ञ का कार्यक्रम, सीता को प्राप्त करने की चाहत अनेक राजाओं के मन में। उन राजाओं के बीच में जब वो सभा लगी हुई थी तो उसमें विश्वामित्र मुनि राम और लक्ष्मण को लेकर उस सभा में आने लगे और गोस्वामी जी ने बड़ा सुंदर जो है वर्णन किया इसका कि जब राम और लक्ष्मण उस सभा में प्रवेश कर रहे थे तो उस समय जो है सभी राजाओं के बीच में राम और लक्ष्मण जब प्रवेश कर रहे हैं तो राम और लक्ष्मण को देखकर राजाओं में जैसी जैसी भावना थी या उस सभा में जो लोग भी बैठे थे जिनकी जैसी जैसी भावना थी सबको भगवान उस रूप में दिखे। गोस्वामी जी कहते हैं जिनके रही भावना जैसी प्रभु मूरत सभा में राम और लक्ष्मण प्रवेश कर रहे हैं और गोस्वामी जी वर्णन करते हैं जिनकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी प्रवेश कर रहे थे। राम और लक्ष्मण विश्वामित्र लेकर आ रहे थे, बड़े बड़े वीर राजा महाराजा उस सभा में बैठे हुए। वीर राजाओं ने राम का दर्शन जब किया, राम को जब देखा तो वीर महापुरुष के रूप में उनको दर्शन दिया भगवान ने। कुछ उस सभा में कुटिल राजा भी बैठे हुए थे, कुटिल राजाओं ने राम का दर्शन भयानक मूर्ति के रूप में किया। राक्षस गण भी बैठे थे उस सभा में, राक्षसों को भगवान राम जो है काल के रूप में दिखाई देने लगे। जनकपुर के जो निवासी थे उनको श्रेष्ठ पुरुष के रूप में भगवान ने दर्शन दिया। उस सभा में बैठे हुए जितने भी स्त्रियां थी सब लोग के मन में माधुर्य भाव जागृत हो गया भगवान का दर्शन करके, राम का दर्शन करके। जितने भी विद्वान बैठे हुए थे उस सभा में उन सबको राम विराट पुरुष के रूप में दर्शन दिए। जनक जी के कुटुंबियों को अपने सगे संबंधियों के रूप में दर्शन दिए राम। जनक और उनकी पत्नियों को उनके पुत्र के रूप में दर्शन दिया, राम को देखकर उनके पुत्र भाव जागृत हो गया। योगियों को परम तत्व के रूप में दर्शन दिया राम। इस प्रकार जिनकी जैसी भावना वैसे वैसे उनको दर्शन मिला। गोस्वामी जी से कोई पूछता है कि प्रभु उस सभा में सीता को राम किस रूप में दिखे, गोस्वामी जी की कलम रुक गई। बोले सीता को किस रूप में दिखे, राम किस रूप में दिखे, वो सीता और राम ही जाने, लेकिन भक्तों को भगवान ने अपने इष्ट रूप के रूप में दर्शन दिया। जिनकी जैसी भावना जिनकी रही सभा में विश्वामित्र मुनि राम और लक्ष्मण को लेकर प्रवेश किए। जनक ने
विश्वामित्र को उच्च आसन दिया उस सभा में। ये है ऋषियों के सम्मान, एक राजा सम्मान कर रहा है ऋषियों का। बड़ी सभा में बहुत बड़े बड़े राजा बैठे हुए थे, लेकिन ऋषि विश्वामित्र को जनक ने उच्च आसन प्रदान किया उस सभा में। ऊंचा आसन पे विश्वामित्र मुनि राम लखन को लेकर बैठे हैं। कुछ राजा सोचने लगे कि ये जनक जो है पागल हो गया, हम यहाँ पे बड़े बड़े राजा सूरवीर बैठे हुए हैं, ये उच्च आसन पे इन लोग को बैठाया, इन दोनों बालकों को उच्च आसन पे बैठाया। इस प्रकार वहीं से समस्या शुरू हुई, सारी समस्याएं वहां से शुरू हुई कि इनको उच्च आसन पे क्यों बैठाया। पोस्ट पोजीशन है, आसन गद्दी का चक्कर ना है, पहले से चल रहा है। कुछ राजाओं ने कहा यार छोट, हम किसके लिए आए हैं, हम सीता के लिए आए हैं, सारा जो ध्यान केंद्रित सीता के ऊपर करते हैं ना, ये सब झंझट में क्या बसना। बात सही है, चलो सीता के ऊपर ध्यान केंद्रित करते हैं। मंत्री ने ऐलान किया कि हे देश के सारे राजा महाराजाओं, कान खोल कर सुन लो, आप सभी भी कान खोल कर सुनिए, कान खोल कर सुन लो कि यह जो शिव धनुष है, उस सभा में शिव धनुष को रखा गया था, ये जो शिव धनुष है जिसका नाम है पिनाक, संसार में तीन धनुष बहुत फेमस हुए, एक विष्णु का सारंग धनुष, दूसरा अर्जुन का गांडीव धनुष, तीसरा शिव जी का पिनाक धनुष। ये जो शिव जी का पिनाक धनुष है, शिव जी ने इसको परशुराम को दिया था और परशुराम ने इसको गिफ्ट के रूप में जनक को दिया था, गिफ्ट किया था। और जब ये धनुष को जनक जी लेकर आ रहे थे ना, ये धनुष कोई साधारण धनुष नहीं थी, बड़े बड़े विशाल काय हाथियों के द्वारा उठाकर इस धनुष को जनक जी अपने जो है राज्य में लेकर आए थे, अपने महल में लेकर आए थे इस धनुष को। लेकिन एक दिन की घटना ऐसी घटी, सीता जो है छोटी बालिका घर में विचरण करते करते घर में मानो वो झाड़ू कर रही थी, और झाड़ू करते करते सीता ने क्या किया, ये धनुष के नीचे झाड़ू मारना था, अपने लेफ्ट हैंड से सीता ने उस धनुष को उठाया और झाड़ू पोछा मार के वापस चली गई। ये दृश्य जनक ने देख लिया। जनक ने सोचा, इस धनुष को जब मुझे गिफ्ट किया गया, ये धनुष को बड़े बड़े सूरवीर भी नहीं उठा पाए, बड़े बड़े हाथियों का सपोर्ट लेकर सहारा लेकर इस धनुष को लाया गया था, लेकिन ये छोटी सी बच्ची ने, मेरी बेटी ने इसको उठा लिया। तभी से संकल्प किया कि इस धनुष को जो कोई उठाएगा, मेरी बेटी का विवाह उसी से मैं कराऊंगा। इस प्रकार संकल्प जो है जनक महाराज ने लिया और यहाँ पे मंत्रीगण ऐलान किया कि इस धनुष को जो कोई उठाएगा, इसकी प्रत्यंचा चढ़ाएगा, उसी के साथ जो है सीता का विवाह जो है उसी के साथ, सीता उसी के गले में वरमाला डालेगी। जब इस प्रकार का ऐलान हुआ तो उस समय जैसे ये ऐलान हुआ कि सीता ये धनुष उठाने के बाद सीता उसी को प्राप्त होगी, कुछ जो राजा थे जो सभ्य थे वो सभा छोड़कर चले गए, क्योंकि उन्होंने देखा कि तो हम तो महिपाल हैं और महिपाल होने के नाते हम पृथ्वी का रक्षा करते हैं, और सीता पृथ्वी की पुत्री होने के नाते हमारी पुत्री, हम पुत्री के साथ विवाह थोड़ी ना करेंगे। वो सारे सभा छोड़कर जो सभ्य राजा थे वो सभा छोड़कर चले गए, लेकिन कुछ राजा जो है गणेश जी को मना रहे हैं, हे गणपति महाराज जो है मेरा नंबर अगर पहले आए, मेरा नंबर पहले आए तो मैं आपको दो लड्डू चढ़ाऊंगा। थोड़ी ही देर में विचार बदला, इन कुटिल राजाओं का विचार बदल रहा है, महाराज चार लड्डू आपको चढ़ाएंगे, मेरा नंबर आए या ना आए लेकिन बाजू वाले का नंबर नहीं आना चाहिए। ये सारे कुटिल राजाओं का मन में उतार चढ़ाव, ये सब उतार चढ़ाव होने के बाद एक राजा निकला। जब ऐलान हो गया उस सभा में एक राजा अपनी मूंछ के ऊपर ताव देते हुए राजा निकला उस धनुष की तरफ, मूंछ के ऊपर ताव दिया और अपना चंगा ठोक कर जो है आगे बढ़ा। जैसे जैसे वो धनुष के पास जा रहा है, गोस्वामी जी कहते हैं कि प्रतापी राजा जैसे जैसे उस धनुष के पास जा रहा है,
जैसे जैसे उस धनुष के पास नजदीक जा रहा है, उसकी मानो वो धनुष उसकी शक्ति को खींचते जा रहा है। ये धनुष में ये ताकत था कि इन कुटिल राजाओं का शक्ति को धनुष हरने लगा। अब ये जैसे राजा ये एक एक करके उठ के उस धनुष के पास जा रहे थे, उसके पास पहुंचते पहुंचते उनकी सारी शक्ति छीण हो जाती थी। उठाना तो छोड़ो, वो शक्ति उनकी इतनी छीण हो जाती थी कि उधर ही बैठ जाते थे, नहीं उठा पाए। फिर राजाओं ने सोचा एक के बच की बात नहीं है, हम दो दो उठाते हैं आपस में, दो सबने विचार किया, दो दो उठाते, दो दो मिलकर, दो दो मिलकर उठाए, दस दस मिलकर उठाए। गोस्वामी जी ऐलान करते हैं कि उस सभा में कितने प्रतापी राजा थे, एक नहीं दो नहीं 1,000 दस दस हजार राजा एक साथ में मिलकर उठाने लगे, फिर भी वो धनुष टस से मस नहीं हुआ। क्यों? फिर भी वो धनुष वैसा का वैसा ही रहा। कैसा वो धनुष कैसे पड़ा रहा तो वर्णन करते हैं। कहीं बाहर लगे दस दस हजार राजा मिलकर जो है उस धनुष को हिला तक नहीं पाए। जैसे एक सती के मन को कामी पुरुष, जैसे एक सती के मन को कामी पुरुष के वचन बिल्कुल उसके मन को प्रभावित नहीं करता सती स्त्री के, वैसे ही इस धनुष के ऊपर इन सारे कामी राजाओं का बिल्कुल उस धनुष के ऊपर प्रभाव नहीं पड़ा। और गोस्वामी जी कहते हैं जो है वो धनुष वैसा का वैसा रहा। सारे राजा जो है अपना प्रयास कर करके थक गए और वापस बैठ गए अपने सिंहासन पे। धनुष वैसा का वैसा रहा। जनक को कष्ट होने लगा और जनक के वचन जो है अब जो है जनक ऐलान करने लगे कि बस और ज्यादा उपहास न हो तो अच्छा है। मुझे मालूम है कि इस सभा में केवल देश विदेश के राजा ही नहीं, बल्कि इस सभा में जो है देवतागण भी रूप बदल के बैठे हुए मुझे अच्छी तरह से मालूम है। लेकिन फिर भी आज मैं देख पा रहा हूं कि ये पृथ्वी जो है क्षत्रियों से विहीन हो चुका है, वीरों से विहीन हो चुका है। कोई वीर नहीं है इस धरती पे, और ज्यादा उपहास ना करे तो अच्छा है। इस प्रकार जो है जनक के कठोर शब्द उस सभा में उठने लगे। जनक के कठोर शब्द सुनकर सभी राजाओं के मन जो है और उनका मन में बहुत शोभ हुआ और उनका सिर नीचे हो गया जनक के कठोर शब्द। और जनक ने कहा तजहू आस निज गृह गृह जाओ लिखा न विधि वैदेव विभाव। हे देश के राजा महाराजा, सब लोग उठो यहां से निकलो, बैठे क्यों हो? मैं तो सोचा था कि इस संसार में वीरों से भरा पड़ा हुआ है, लेकिन जब से परशुराम का लगता है परशु चला है, तब से इस पृथ्वी से वीर विहीन हो चुके हैं। आप लोग निकलो अपने अपने घरों को, मेरी वैदेही सीता के नसीब में लगता है विवाह नहीं है। इस प्रकार कठोर वचन बोलने के बाद भी ये राजा महाराजा हिले नहीं। सोचो आपने किसी को, किसी कोई अतिथि घर में आया हुआ है, बुलाया है
और घर में आने के बाद अतिथि को जब बोलोगे कि यहां से निकल जाओ, अतिथि कितना देर रुकेगा? तुरंत वहां से निकल जाएगा। यहां पे भरी सभा में जनक जो है इतना कठोर कठोर शब्द बोल रहे हैं, लेकिन सारे राजा महाराजा ऐसे ही बैठे हैं। क्या सोच रहे पता है? हमने इतने बड़े बड़े वीरों से धनुष नहीं उठा, ते दो कुमार जो बैठे हुए उनसे उठेगा? और जब उनसे भी नहीं उठेगा तो क्या होगा? जनक अपनी बेटी को कुमारी थोड़ी नहीं छोड़ेगा, वो बोलेगा कि बेटी ये लोग वरमाला, तुमको जो पसंद है उसके गले में डाल दो। भाई उस समय कहीं हमारा नंबर आ गया तो, इसलिए कोई हिले नहीं, सबके सब बैठे रहे। काम में अंधा ये सारे राजा वैसे के वैसे ही बैठे रहे। जनक के वचन जो है, जैसे ही उस सभा में गुजा, लक्ष्मण को वो वचन मानो तीर के जैसा चुभने लगा। स्वागत करते हैं हम कमलेश भाई का, और जो अम्बे माता मंदिर के जो ट्रस्टी हैं, यहाँ के प्रेसिडेंट हैं। मैं आप सबको बताऊं, नजर गया तो स्मरण हो आया, हमने राम जन्म का जब ये प्रतिष्ठा का दिवस जब ये ऐलान हुआ, जब ये मन में विचार आया कि हम क्या करें वापी की तरफ से इस प्रतिष्ठा दिवस पे, जैसे ही हमारे मन में संकल्प विकल्प हुआ, हम सभी का चर्चा हुआ कि नहीं 5 दिन की राम कथा किया जाए, तो हमने जो हमारे बलन भाई, हमारे जो भी कमेटी के सब लोग, मंदिर के जितने भी अधिकारी, सब लोगों ने सोचा और हम सब मिलके आए। जैसे ही मिलके आए मंदिर में, तो हमारे कमलेश भाई जिनको वड़ील करके पुकारते हैं, बड़ा अच्छा नाम है उनका, जब उनको मिले, अपना ये प्रस्ताव हमने दिया, पहले तो मन में एक संकल्प विकल्प था कि पता नहीं परमिशन मिलेगा कि नहीं मिलेगा, क्योंकि जो है यह स्थान अनेक प्रकार के पाबंदियां हैं, क्योंकि हमने कई प्रोग्राम हॉल में भी किया है कि गंदगी नहीं रखते हैं, क्लीन रखते हैं, और होना भी चाहिए, मंदिर परिसर जितना क्लीन उतना अच्छा। तो ये था कि अभी संकल्प होता है कुछ इस प्रकार का, तो गंदगी होता है इत्यादि इत्यादि, एक मन में था कि पता नहीं क्या होने वाला है। लेकिन जैसे ही हमने अपना ये प्रपोजल लेकर गए, जैसे ही एक शब्द बोला, मानो कमलेश भाई के मुख से राम बोल उठे। अरे आप लोग करिए ना, वो शब्द सुनकर ना मैं मेरे रोंगटे खड़े हो रहे। उन्होंने एक झटके में जो परमिशन दिया ना कि नहीं आप करिए, ग्राउंड हम कहां, और जो है हम इलेक्ट्रिसिटी भी दे देंगे, सब कुछ दे देंगे, आप करिए करिए, इस प्रकार का जो परमिशन मिला ना, और ये उनका ये भगवान के प्रति, राम के प्रति ये प्रेम देखिए, राम कथा। और उन्होंने ये भी तुरंत बताया कि यहां पे 12 से 18 कथा है, और आप लोग क्या करना, उसी पंडाल को रख लेना। मतलब परमिशन दिया और तुरंत क्या बताए, उसका प्लानिंग भी बताने लगे कि उसी को रख लीजिए, उसी से बात कर लीजिए, सब कुछ अच्छा हो जाएगा। और वही हुआ बाद में, जैसा उन्होंने बोला वैसे ही सब कुछ किया, और सब कुछ वैसे ही करते करते प्रारंभ भी हुआ, आज हम पूर्णाहुति की तरफ बढ़ चुके हैं। तो कमलेश भाई को बहुत बहुत धन्यवाद, इनके पूरे जो भी टीम है इस मंदिर के, उनको बहुत बहुत धन्यवाद। मैं चाहता हूं कि थोड़ा से आप आइए, मैं आपको सम्मान के रूप में कुछ देना चाहता हूं, तो क्योंकि अभी कथा प्रभाव अगर चलेगा तो कहीं ये बीच में हो नहीं पाया, और ये बिजी आप लोग का शेड्यूल होता है, और उस बिजी शेड्यूल में भी इस समय निकाल के आए हैं जो कमलेश भाई भाई इत्यादि सब लोग, तो बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। और इस प्रकार का आयोजन करने में इनका बहुत बड़ा सहयोग रहा।
हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे माइक माइक हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ये गुरुजी ने बताया के कमलेश भाई ने कुछ नहीं किया, जो किया वो रामचंद्र भगवान ने किया। जय श्री राम। ये यहाँ की परंपरा रही है, अम्बा माता मंदिर का जो ट्रस्ट है वो तथा के जो व्यासपीठ पे बैठे हैं तो उनका सम्मान होना चाहिए। तो मंदिर की ओर से हमारे मारुति भट्ट साहब भी हमारे साथ ट्रस्ट बोर्ड में है, ट्रस्टी है, तो उनको फूलों से स्वागत करें। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हमारी ओर से कोई तकलीफ हो तो माफ करना, कोई तकलीफ नहीं, हमारा जो भी काम है हम आगे भी करेंगे, सहयोग करेंगे। थैंक यू वेरी मच। कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। इस प्रकार हम कहां थे, कहां थे? जनक की सभा। क्या करने के लिए? सीता का स्वयंवर देखने के लिए। लेकिन उस स्वयंवर को देखने के लिए बहुत सारे रास्तों से गुजरना होगा, इसलिए अपने अपने सीट की कुर्सी की पेटी बांध कर रखे, हिलना नहीं चाहिए, क्योंकि जब लखन का प्रवेश होगा ना तो हो सकता है कि जिस जगह पे आप बैठे हो वो धरती हिल जाए। इसलिए संभाल के अपने अपने स्थान पे एकदम वहां थोड़ा हिल लीजिए थोड़ा से। दशरथ नंदन विश्वामित्र के साथ जो है जब उस सभा में पहुंचे और जनक ने जैसे ही ऐलान किया, जनक के इस ऐलान से वो राजा महाराजा तो सब निर्लज्ज होके बैठे, क्योंकि उनके मन में कुटिलता था। लेकिन लक्ष्मण के हृदय में मानो ये जनक के जो शब्द है तीर जैसे जाके चुभे। जब जनक ने कहा कि वीर विहीन ये धरती वीरों से विहीन हो चुकी है, उस समय जनक के जो ये शब्द थे लक्ष्मण के हृदय में जैसे चुभे और लक्ष्मण वैसे खड़े हुए जैसे मान लीजिए किसी सर्प के पूंछ पे अगर आपका पैर पड़ता है तो सर्प कैसे फड़ फड़ करके उठ जाता है, वैसे ही फुंकार मारते हुए लक्ष्मण खड़े हो गए उस सभा में। खड़े होकर जो है कहने लगे, जनक ये शब्द जो तुम बोल रहे हो ना, इस शब्द को बोलने से पहले चार बार विचार करना चाहिए, क्षमा करिएगा मुझे बिना परमिशन मांगने निवेदन कर रहा हूं, लेकिन तुमने ये जो शब्द बोला है ना, जिस सभा में रघुकुल का एक दिन का भी बच्चा अगर बैठता है उस सभा में ऐसी बातें बोलने वाले का हिम्मत कैसे हो सकता है? जनक
तुम ये जो शब्द बोला है ना, उस शब्द को वापस ले। लक्ष्मण के क्रोध जो हुआ ना, लक्ष्मण का लक्ष्मण सकोप वचन जो बोले, डगमगाई मही दिग्गज डोले। ये धरती डोलने लगी, हिलने लगी, धरती हिलने लगी, ग्रह नक्षत्र तारे सब कुछ हिलने लगे। राजाओं जो राजा बैठे हुए इतने इतने सारे, उन राजाओं के सिंहासन हिलने लगा, सब कुछ उस सभा में हिल रहा है। लेकिन दो चीज वैसा का वैसा है, क्या बताएं? एक धनुष, दूसरा प्रभु राम। वो ऐसे के ऐसे ही, उनके ऊपर कोई प्रभाव नहीं। लक्ष्मण राम को देखकर, भैया आपको कुछ लग नहीं रहा है, आप ऐसे शांत क्यों बैठे हो? जनक ये शब्द, जनक के इन शब्दों को सुनकर आप कैसे शांत बैठे हो? मैं लाल पीला हो रहा हूं। राम ने कहा कि लखन बैठ जाओ, वैसे सूर्य उदय होने वाला होता है तो पहले लालिमा आती है। अब लालिमा के रूप में तुम्हारा लालिमा आ चुकी है, थोड़ी दूर में सूर्य का भी उदय हो जाएगा, लखन बैठ जाओ। अब पूरा फिर से अब लखन बैठ गए राम का आदेश पाके। अब विश्वामित्र ने देखा कि समय आ चुका है, क्योंकि राम तो इंतजार कर रहे थे किसका, गुरु जी का कब आज्ञा हो। राम इंतजार कर रहे हैं, लेकिन अब जो विश्वामित्र ने सोचा कि अब राम को जाना चाहिए, अब विश्वामित्र जो है राम को आदेश दे रहे हैं। उठहुं राम भंजहुं भव चापा, विश्वामित्र अपना वरद हस्त्र ऊपर करके राम को आदेश दे रहे हैं। उठहुं राम भंजहुं भव चापा, विश्वामित्र अपना वरद हस्त ऊपर के कह रहे हैं, आदेश दे रहे हैं कि राम अब जाओ उस धनुष को उठाने के लिए, जाओ उस धनुष को। विश्वामित्र अपना वरद हस्त ऊपर करके राम को जैसे ही आदेश दिए, राम ने अपने धनुष बाण को उस सिंहासन, जिस सिंहासन पर बैठे हुए थे उस सिंहासन पर अपने धनुष बाण को रख दिया। अब राम जो है बढ़े हैं उस धनुष की तरफ, शिव धनुष की तरफ राम बढ़े हैं। सारे राजा महाराजा की दृष्टि जो है राम के ऊपर, उस सभा के सभी लोग की दृष्टि मात्र दो लोग के ऊपर, जैसे राम बढ़ रहे, एक तो राम के ऊपर और वो धनुष के ऊपर, सभी की दृष्टि क्या होने वाला है उस सभा में, मानो उस सभा में मानो सूर्य उदय हो रहा है, और सूर्य उदय हो रहा है और राम जैसे आगे बढ़ रहे हैं। गोस्वामी जी कहते हैं, उदित उदय गिरि मंच पर रघुबर बाल पतंग, उदित उदय गिरि मंच पर रघुबर बाल पतंग, उदित उदय गिरि मंच पर रघुबर बाल पतंग, बिकसे संत सरोज संहर्षे लोचन भृंग, बिकसे संत सरोज संहर्षे लोचन भृंग। उस सभा में मानो सूर्य प्रकट हो रहा है, जैसे सुबह होता है सूर्य प्रकट होता है, वैसे ही प्रभु रामचंद्र उस आसन से, अपने सिंहासन से खड़े होकर उस धनुष की तरफ बढ़ रहे हैं। जैसे जैसे है उस धनुष की तरफ बढ़ रहे हैं, जनकपुर के जो लोग थे उनके मन में उतल बितल हो रहा है कि क्या होने वाला है। लेकिन भगवान राम जो है उस धनुष की तरफ बढ़ रहे हैं, जैसे एक वनराज केसरी जो है अपने शिकार की तरफ आगे बढ़ता है, एक दृष्टि देखते हुए उस धनुष की तरफ राम धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे। उदित 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 उदय गिरि मंच पर रघुबर बाल पतंग,
से संत सरोज संग हर से लोचन जब भगवान राम जो आगे बढ़ रहे जनक की पत्नी जो सुनैना थे उनको चिंता होने लगा। सुनैना को चिंता हो रहा है कि ये विश्वामित्र ये जनक क्या कर रहे हैं, ये छोटा से बालक है, इतना छोटा से कुमार बालक जिस धनुष को बड़े बड़े प्रतापी राजा नहीं उठा पाए, इस धनुष को छोटे बालक को क्यों भेज रहे हैं, क्या करेगा। सुनैना की सखी कह रही कि दीदी चिंता मत करो, तेज देखो, उस बालक का तेज देखो, उस तेज से पता चल रहा है कि यहाँ पे तुम्हारी चिंता को दूर करने वाला है वो। राम आगे बढ़ने लगे, बढ़ते बढ़ते जैसे ही वो धनुष के पास नजदीक में पहुंचे, राम धनुष के पास पहुंचते ही महादेव को याद किए। महादेव राम को याद करते हैं और राम आज महादेव के याद कर रहे हैं, प्रभु आपके इस धनुष को, आपके इस धनुष को मैं आज उठाने जा रहा हूं, पता नहीं क्या होने वाला है, सब देख लीजिएगा। प्रार्थना कर रहे हैं शिव जी से, राम जी प्रणाम किया, प्रणाम करके उस धनुष को, उस धनुष की परिक्रमा करने लगे, परिक्रमा करने लगे उस धनुष को। और सीता को चिंता होने लगी, सीता भी देख रही है कि क्या होने वाला है, सीता को चिंता होने लगी। और सीता जो है गणपति महाराज को याद कर रही है, गणपति महाराज को याद करते करते अनेक प्रकार की प्रार्थना कर रही है। वक्रतुंड महाकाय सूर्य कोटि समप्रभा निर्विघ्नम कुर्वेम देव सर्व कार्येषु सर्वदा। हे गणपति महाराज, मैंने आज तक आपकी पूजा किया, बस इसी दिन के लिए पूजा किया कि राम मेरा पति बन जाए, राम आज इस धनुष को भंजन करे, इस प्रकार से अनेक प्रकार का प्रार्थनाएं जो है देवी सीता करने लगी। और गोस्वामी जी कहते हैं गणनायक वरदायक देवा, पार्वती प्रार्थना कर रही है गणेश जी से, हम भी गणेश जी के है चरण कमलों में बैठे हुए हैं, मंदिर बाजू में ही है, सब लोग प्रार्थना करिए सीता के साथ। गणनायक वरदायक देवा, गणनायक गणेश जी सभी विघ्नों को दूर करने वाले हैं, आज लगे आज लगे सेवा। सीता जो है गणपति महाराज को याद कर रही है कि आज तक मैंने जो आपकी पूजा की हूँ, बस उसका उस पूजा का फल के रूप में आज जो है राम मुझे पति के रूप में प्राप्त हो, अनेक प्रकार के संकल्प विकल्प। और याद कर रही है शिव जी को, याद कर रही है पार्वती को, याद कर रही है और गणेश जी से प्रार्थना कर रही है, अनेक प्रकार की प्रार्थनाएं सीता मन ही मन करने लगी। हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम 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 सीता राम राम, हरे राम 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 सीता राम 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 राम राम, हरे राम राम सीता राम राम राम, हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम राम सीता राम राम राम, सीता मन ही मन प्रार्थना कर रही है। भगवान राम उस धनुष की परिक्रमा किए, शिव जी को याद किए, प्रणाम किए और उस धनुष को ऐसे देख रहे हैं जैसे गरुड़ जो है एक दृष्टि से सर्प को देखता है और एक दृष्टि से देखते हुए उस सर्प को उठाकर लेकर चला जाता है। गरुड़ की तरह जो है राम उस धनुष को देख रहे हैं, मन में ही मन जो है गुरु को प्रणाम किया
अपने माता पिता को प्रणाम किया, स्मरण करते हुए सभी गुरुजनों का माता पिता का आशीर्वाद लिया और सभा में सब लोग शांत बैठे हुए, जैसे आप सब लोग शांत बैठे हो, क्या होने वाला है, सब लोग सभा में शांति से बैठे हुए, लाखों की दृष्टि राम और धनुष के ऊपर, और सबसे ज्यादा उत्साहित एक्साइटमेंट जो है ना लक्ष्मण को हो रहा है। लक्ष्मण अपने गद्दी पे ऐसा बैठ गए, सबसे उत्साहित हो रहे हैं। विश्वामित्र कहते हैं, लखन धनुष राम जा रहा है उठाने के, तुमको क्या हो रहा है? बोले महाराज, आक्रमण राम के हाथ में है, लेकिन रक्षण करना ना लखन के हाथ में है। मैं इस धरती को पकड़ के बैठा हूँ, क्योंकि अब जो होने वाला है ना, उससे धरती हिलने वाली है। मैं दिग्गजों को पकड़ के बैठा हूँ। लक्ष्मण बड़े उत्साह में, राम जो है उस धनुष को देख रहे हैं, लक्ष्मण का एक्सपेरिमेंट बढ़ता जा रहा है। विश्वामित्र को इस प्रकार सुनाने के बाद जो है, लक्ष्मण ने कहा कि मुनिवर, गुरुजी, ये जो पृथ्वी है ना, इस पृथ्वी को मैं पकड़ के बैठा हूं, ये पृथ्वी जो है ना, हमारे भैया राम की सासू माँ है, मेरे भैया राम की सासू माँ है। सीता का जन्म कहां से हुआ? पृथ्वी से। और आज अगर विवाह के दिन पे अगर ये धरती ठगमगा गई, सासू माँ गड़बड़ हो गई, तो विवाह रुक जाएगा मेरे भैया का, इसलिए मैं पृथ्वी को पकड़ के बैठा हूं। भगवान राम अपना बायां हाथ, राम जो है दायां नहीं, बायां हाथ आगे किए धनुष को उठाने के लिए। जैसे ही भगवान ने अपना दायां बायां हाथ जो है आगे बढ़ाया, एक छोर से मानो धनुष अपने आप उठ के आ गया भगवान के हाथ में, उठाना नहीं पड़ा, अपने आप उठ के आ गया। और जैसे ही उठ के आया, भगवान ने उस धनुष को उठाया, सभी की आंखें उस धनुष से इतना प्रकाश पुंज निकला कि सभी की आंखें उस सभा में बंद पड़ गई। और भगवान ने उस धनुष को उठाकर प्रत्यंचा जैसे ही चढ़ाने गए, वो धनुष टूट गया। लोगों को केवल टूटने की आवाज आई, किसी ने नहीं देखा कि धनुष कैसे टूटा। धनुष टूटा है, जनक वासियों के सभी के हृदय में आनंद छाया हुआ है। भगवान ने उस धनुष को उठाया और धनुष का प्रत्यंचा चढ़ाते समय धनुष टूट गया। धनुष कब कैसे टूटा किसी ने देख नहीं पाया। जैसे ही धनुष टूटा, वो धनुष का ऐसा आवाज आया, इतना तगड़ा आवाज आया कि धरती हिलने लगी, धरती डोलने लगी, नदियों की दिशा बदल गई। नदी सीधा जा रही लेकिन दिशा बदल गई नदियों का। शेष बरा कच्छप सब तिल मिला गए, दिक्पाल चक्कर काटने लगे, पर्वत के शिखर जो है ना कट के अपने आप नीचे गिरने लगे धनुष भंजन से आवाज से। विंध्याचल में जितने भी साधु संत ऋषि मुनि ध्यान कर रहे थे, उन सभी के ध्यान भंग हो गए। महेंद्र पर्वत पे परशुराम तपस्या कर रहे थे, ध्यान कर रहे थे, परशुराम का ध्यान भंग हो गया। देव इतना गर्जन हुआ उस धनुष के टूटने से, इतना भयंकर आवाज हुआ कि सारे देवताओं के कान में वो आवाज पहुंचा, सारे देवता कान बंद कर लिए, सबने अपने कान को बंद कर लिया, अप्सराओं के नृत्य बंद हो गए। शिव धनुष टूटने से जितने भी सभा में बैठे हुए राजा लोग थे, उन सभी राजाओं का अहंकार टूट गया, सीता का वियोग टूटा शिव धनुष टूटने से, जनक और सुनैना की शंका टूटी, नगर वासियों की चिंता टूटी, रावण की पत्नी मंदोदरी का चूड़ी टूटा, आकाश में देवता
प्रकट हो गए, क्योंकि अब प्रभु रामचंद्र इस धनुष को तोड़े हैं। सभी देवता आकाश में प्रकट हुए उस आवाज को सुनकर, और सभी देवता आकाश मार्ग से पुष्प की वर्षा करने लगे और सब लोग जय जयकार करने लगे। रामचंद्र भगवान की जय, रामचंद्र भगवान की जय, श्री राम। धनुष टूट गया। धनुष टूटने से लक्ष्मण बड़े खुश हो गए, सबसे ज्यादा खुश लक्ष्मण। लक्ष्मण की खुशी की सीमा नहीं, इतना खुश लक्ष्मण जिस आसन पे बैठे थे उस आसन से कूदी मारकर जनक के आसन पे। जनक बोल, अभी ऐसे कितने धनुष है तुम्हारे पास, निकाल। एक राम ने थोड़ा, और कोई तो बता, मैं तोड़ता हूं उसको। बोलने से पहले विचार करना चाहिए। कठोर शब्द जन, लखन के कठोर शब्द। जनक मन ही मन अफसोस करने लगे, कुछ ज्यादा बोल गया मैं, इतना नहीं बोलना चाहिए था। मन ही मन अफसोस करने लगे। राम अपने गुरु गुरु विश्वामित्र को प्रणाम किए। विश्वामित्र के आंखों में आंसू आ गया। कौन गुरु के आंखों में आंसू नहीं आए, क्योंकि भगवान उनके शिष्य के रूप में है। स्वयं भगवान प्रणाम कर रहे हैं, विश्वामित्र के आंखों में आंसू आ गया। अब जो है वरमाला का समय हुआ। अभी तो धनुष टूटा ना, विवाह थोड़ी ना हुआ है। अभी जो शर्त थी वो हो चुका है। अब जो है वरमाला आने की तैयारी। अब जो है धनुष तोड़ते ही मानो अब तो राम जो है सीताराम बन गए हैं। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीता की सखियों ने सीता को लेकर, सीता का हाथ में वरमाला देकर, अब सीता जो है निकली है राम को वरमाला धारने के लिए। अब सीता आके खड़ी है वरमाला लेकर। अरे मर्यादा पुरुषोत्तम, सीधे ठाकुर है ना, शुरू से सुनते आ रहे हैं। ऐसे खड़े के खड़े है, सीता आंखों से इशारा कर रही है कि थोड़ा झुक तो जाओ, थोड़ा झुक जाओ। लेकिन राम सीधे के सीधे
उसके इशारा से राम के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। सीता इशारा करती रही, सखियां ने देखा कि जीजा जी झुक नहीं रहे। हाँ जीजा जी, नहीं जीज जीज, आज जीज कर देना, जीज। सखियों ने देखा कि मेरे जीज जो है वो झुक नहीं रहे। राम एकदम सीधे खड़े हैं। सखियां जनक के पास जाते हैं, जनक के पास जाके कहते हैं कि अपने दामाद को बोलो ना थोड़ा झुक जाए। जनक ने कहा कि देखो, धनुष टूटने से पहले सीता मेरी थी, अब धनुष टूट गया है, अब सीता मेरी नहीं है, अब ये सब मैं नहीं कर सकता हूं, वो सब तुम देख लो। अभी सखियां बड़े चिंतित हो रही हैं। सखियां विश्वामित्र के पास गई। विश्वामित्र के पास जाकर कह रहे हैं कि गुरु जी, आपके शिष्य को बोलो ना थोड़ा त्रिनाद अपी सुनिचे ना बनने के लिए। अब क्या शिक्षा दे, ऐसा खड़ा है पूरा, अरे थोड़ा से दुख दुखे, उसको शिक्षा नहीं दिया है क्या? त्रिनाद अपी सुनी चेना तरोर अपी सही, थोड़ा झुक के रहे। विश्वामित्र ने कहा, मेरा जो कार्य था वो अब सफल हो गया है, ये सब डिपार्टमेंट हमारा नहीं है, अब तुम जो देख लो। एक घंटे बीत गए, राम खड़े के खड़े अनेक प्रयास किया रहा है लेकिन झुक नहीं रहे, झुकने के लिए तैयार ही नहीं। सखियों ने सोचा क्या करे क्या करे क्या करे क्या करे, सब लखन के पास गए। लक्ष्मण के पास जब गई तो सखियों ने कहा कि लक्ष्मण देखो सब काम हो गया, एक काम अभी बाकी है। लक्ष्मण ने कहा सब तो हो गया, आप क्या बाकी है? बोला नहीं, एक काम बाकी है अभी, तुम्हारे भाई को बोलो ना थोड़ा झुक जाए। लक्ष्मण जी बोले, हम रघुकुल वासी है, रघुकुल रीत सदा चले आई, प्राण जाय पर बच। उस समय ज्यादा हो रहा, हम रघुकुल के हैं, हमने झुकना सिखा ही नहीं है आज तक, क्यों झुकेंगे हम? सखियों ने कहा, लक्ष्मण देखो, अगर तुम तुम्हारे भाई को बोलोगे झुकने के लिए ना, हम तुम्हारा काम करेंगे। बोले हमारा काम? लक्ष्मण ने बोला हमारा काम कौन सा हमारा काम है भाई? सखियों ने कहा कि देखो, सीता के बाद उर्मिला बाकी है अभी, अगर तुम हमारा काम करोगे तो हम तुम्हारा काम कर देंगे। लक्ष्मण ने कहा कि बहुत फोर्स कर रहे हो तो ठीक है, कर देता हूं। लक्ष्मण ने कहा कि ठीक है, ओके, मैं बोलूंगा, इशारा करूंगा, वरमाला डाल देना। लक्ष्मण गए, लक्ष्मण हाथ जोड़कर राम के पास गए, भैया भैया भैया, आपने आज ऐसा काम किया कि आज तो आपको प्रणाम करने का मन कर रहा है। लक्ष्मण राम के चरण कमलों में झुक गए और जैसे ही दंडवत प्रणाम किया, उसमें राम लक्ष्मण को उठाने के लिए जैसे झुके, इधर करे भाभी भाभी जल्दी करो, झुके, अब वरमाला डाल दो। अब सीता ने वरमाला डाल दिया, सियावर राम चंद्र की, अब विवाह हुआ। इस प्रकार जो है वरमाला राम के गले में, सारे राजा जो बैठे थे वहां पे, सारे राजाओं को ईर्ष्या हुआ, सारे राजाओं को इतना ईर्ष्या हुआ कि उन्होंने तुरंत ही उसी सभा में सारे राजा मिलकर जो आक्रमण कर दिए राम के ऊपर, कि हमारी नहीं तो इसकी भी नहीं, हमारी नहीं तो किसी की नहीं। सारे राजाओं ने आक्रमण किया, जैसे ही आक्रमण किया राम के ऊपर, उसी समय जब ये शिव धनु टूटा था ना, राम ने तोड़ा था, उसी समय जब आवाज गर्जन हुआ था ना, महेंद्र पर्वत पे परशुराम तपस्या कर रहे थे, उनका ध्यान भंग हुआ। परशुराम उस आवाज को सुनकर भागते 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 आए, जैसे जब पहुंचे हो उसी समय ये राजा सब राम के ऊपर आक्रमण किए थे, उन्होंने देखा परशुराम का प्रारंभ, सारे राजा जो है शस्त्र छोड़कर परशुराम के चरण कमलों में बोले महाराज 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 महाराज। यही परशुराम ने 21 बार क्षत्रियों को विध्वंस कर दिया था,
सबने प्रणाम कर करके परिचय दे रहे हैं कि महाराज हमारे दादाजी थे, आप आए थे, हमने आपकी चरण सेवा किया था, हमारे ऊपर कृपा करना कृपा करना। सारे राजा महाराजा सब किसके शरण में चले गए? परशुराम के शरण में चले गए। लेकिन परशुराम ने उस सभा में आने के बाद ऐलान किया, मूर्ख जनक, तुमको मालूम नहीं कि मैं क्षत्रियों का दुश्मन हूं? सारे क्षत्रियों को एक साथ में बुलाने का साहस तुमने कैसे किया? परशुराम जनक को चिल्लाने लगे, जनक को बुलाया, बोल जल्दी। जनक को बुलाकर बोले, बोल जल्दी, तुमने क्षत्रियों को क्यों इकट्ठा किया? जनक ने हाथ जोड़कर बोला कि आज मेरी बेटी का शादी, मेरी बेटी का विवाह है, आज राम के साथ हुआ है, आज इसके वजह से मैंने सारे राजाओं को एकत्रित किया। जब ही जनक जो कह रहे हैं कि राम और सीता का विवाह था, तो दिखा रहे कि ये राम है, मेरी बेटी सीता है, उसका विवाह था जिसके कारण क्षत्रिय को बुलाया। जैसे ही परशुराम की दृष्टि राम के ऊपर गई, राम के बाजू में वो टूटा हुआ धनुष पड़ा था, परशुराम का नजर जो है, दृष्टि जो है, उस धनुष के ऊपर पड़ी। परशुराम ने बोला, ये धनुष किसने तोड़ा? अभी तक उनको गर्जना हुआ था, लेकिन उनको मालूम नहीं था कि धनुष टूटा है। दृष्टि जैसे धनुष के ऊपर गई परशुराम की, बोला, ये जनक, ये धनुष कितने तोड़ा है? परशुराम ने जनक को गिफ्ट किया था धनुष। अभी सोचो, किसी ने गिफ्ट दिया है आपको, उसके सामने उसके गिफ्ट को तोड़ोगे तो क्या होगा? क्रोध आएगा ना व्यक्ति को। परशुराम ने कहा कि किसने धनुष तोड़ा? जनक जल्दी बता, उसको इस सभा से बाहर कर। जनक बड़े संकट में पड़ गए। विवाह के दिन ही अभी अभी बेटी का विवाह हुआ, अभी अभी बेटी का विवाह, अगर विवाह के दिन ही बेटी कहीं विधवा न बन जाए। जनक बड़े टेंशन में हो गए, क्या करे क्या करे। और इधर से परशुराम चिल्ला रहा है, जनक देख क्या रहा है, इस सभा से उसको बाहर कर जिसने इस शिव धनुष को तोड़ने का हिम्मत किया। जनक के संकट को देखकर राम आगे निकले। राम आगे आकर परशुराम के सामने आकर राम जो है परशुराम को बता रहे हैं कि कौन धनुष तोड़ा। और गोस्वामी जी वर्णन करते हैं, नाथ शंभु धनु भंजनिहारा, नाथ शंभु धनु भंजनिहारा, नाथ शंभु धनु भंजनिहारा, नाथ शंभु धनु भंजनिहारा। राम जी आराम से, एकदम आराम से बोल रहे हैं, आराम से उत्तर दे रहे हैं। इधर परशुराम क्रोधित हैं और राम आराम से उत्तर दे रहे हैं, नाथ शंभु धनु भंजनिहारा, नाथ शंभु धनु भंजनिहारा। देखिए शब्द राम जी क्या कह रहे हैं, नाथ, हे नाथ। परशुराम को बोल रहे, हे नाथ, ये जो शंभु धनु है, ये जो शिव जी का धनु है, भंजनिहारा, ये टूटा, किसने टूटा? उसका उत्तर दूसरे प्यार में दिया गया है, लेकिन राम जी आराम से एकदम बोल रहे हैं, नाथ शंभु धनु भंजनिहारा, नाथ शंभु धनु भंजनिहारा। राम जी एकदम 20 के स्पीड में है और सामने वाला 200 की स्पीड में है। राम जी आराम से बता रहे हैं, परशुराम चिल्लाने लगे कि आगे बोल कौन तोड़ा है। तब राम जी बोल रहे हैं, हो एक दास तुम्हारा, एक दास तुम्हारा। भगवान, इस शिव धनुष को तोड़ने वाला आपका दास ही हो सकता है, कौन हिम्मत करेगा? जो आपका दास है वही इस धनुष को तोड़ सकता है, आपका दास। दास
शिव धनुष को तोड़ने वाला दास नहीं, वो मेरा शत्रु है। शत्रु तुम दास बोलता है? अरे दास उसको बोलते हैं जो दासता करे, दास उसको बोलते हैं जो सेवा करे। शिव धनुष को तोड़ने वाला शस्त्र भाव अर्जुन की तरह मेरा शत्रु है। शत्रु तुम बोलता है दास, जल्दी बता कौन तोड़ा है धनुष? परशुराम एकदम तवे के ऊपर है, परशुराम का क्रोध की अग्नि। जल्दी बता जनक, जल्दी तू बता, देख क्या रहा है। राम जी समझा रहे हैं, बता रहे हैं कि हे मुनिवर, ये धनुष को तोड़ने वाला आपका दास, लेकिन क्रोध क्यों देखकर है परशुराम के है, लक्ष्मण से रहा नहीं गया। लक्ष्मण विश्वामित्र के पास गए, लक्ष्मण विश्वामित्र के पास जाकर बोल रहे कि गुरुजी, अभी तक आपने सब कुछ अच्छा किया लेकिन एक गड़बड़ कर दिया। बोला क्या लखन? बोला कि ये व्यक्ति जो आया है ना परशुराम, राम को आगे करके आपने गड़बड़ कर दिया। क्यों? बोले वो मेरे टाइप का व्यक्ति है, वो मेरे टाइप का व्यक्ति है, आपने राम को क्यों आगे किया? आप मुझे भेजिए, उसके सारे प्रश्नों के जवाब मेरे पास है, मैं उसके सारे प्रश्नों के जवाब देता हूं। विश्वामित्र ने राम को पीछे किया, लक्ष्मण को आगे किया। लक्ष्मण को आगे, अब लक्ष्मण आगे निकले हैं, परशुराम के क्रोध अग्नि में लक्ष्मण की प्रथम आहुति। बहु धन तोरी नर गाई, कब न सिरी है कि न गोसाई। महात्मा जी परशुराम को लखन कह रहे हैं, हमने बचपन में बहुत सारे धनुरिया तोड़ दिया, हम क्षत्रिय लोग हैं, हमारा तो धनुष के साथ खेलना होता, हमने बचपन में बहुत सारे धनुरिया तोड़ दिया, तब तो किसी ने कुछ नहीं कहा, और आज ये धनुष टूट गया हाथ, आप इतना चिल्ला क्यों रहे हो? महाराज हमने बचपन में बहुत सारे धनुरिया तोड़ा है। परशुराम बोल रहे हैं कि तुम इस धनुष को खिलौना समझ रहे हो? ये खिलौना है, बच्चों का खेलने का सामान है, यह पिनाक है, पिनाक ये शिव की धनुष है, तुमको मालूम नहीं कितना महान है? महान दो चार बार महान कहा। लखन बोल रहे हैं, लक्ष्मण बोल रहे हैं कि महाराज आप ये पूछ रहे हो ना, आप ये पूछ रहे हो कि धनुष कितने तोड़ा, आपके प्रश्न का जवाब आपके ही पास है, आपके मुख से ही आपका प्रश्न का उत्तर निकला है। बोले क्या? मेरा उत्तर, मेरे प्रश्न का उत्तर मेरे मुख से क्या? बोले कि आपने क्या कहा, ये शिव धनुष महान है, महान है, महान है। महाराज ये शिव धनुष टूटा है, तो आप ये समझ जाओ ना कि ये शिव धनुष महान है, तो कोई महान व्यक्ति ही इसको तोड़ा ना, आप समझ क्यों नहीं रहे हो? लक्ष्मण के इस प्रकार का वचन से परशुराम जी का क्रोध और पूर्ण आक्रोश। शिव धनुष तोड़ने वाला महान नहीं, मेरा शत्रु है। लक्ष्मण ने कहा कि मैं और मेरे भैया ने खेल खेल में इस धनुष को टूट गया है, हम खेल रहे थे, धनुष टूट गया। छुमत टूट रघुपति न दोषो, मुनि बन काज करी कत शेषो। परशुराम को लखन कह रहे हैं कि ये छूने मात्र से, ये धनुष को छूने मात्र से टूट गया है, तो जीर्ण हो गया था, आप इतना खड़गड़ खड़गड़ क्यों कर रहे हो? हमारा कोई दोष नहीं है इसमें। परशुराम का पूर्ण आक्रोश, और परशुराम कह रहे हैं जनक इसे बता मैं कौन हूं। परशुराम कह रहे हैं जनक इसको बता मैं कौन हूं, इसको मालूम नहीं मैं कौन हूं। लखन कह रहे हैं कि महाराज महाराज बच्चा बच्चा आपको जानता है,
जैसे आज बच्चा बच्चा जानता है ना, भारत का हर बच्चा बच्चा गाना चल रहा है आजकल, राम को जानता है हाँ, क्या है क्या है गाना, भारत का हर बच्चा बच्चा, जय श्री राम। लखन ने कहा कि महाराज, जैसे ही परशुराम ने कहा जनक इसको बता मैं कौन हूँ, इसको नहीं मालूम है। लखन ने कहा कि महाराज बच्चा बच्चा आपको जानता कौन है, आप वही हो ना, कोई अपने माँ की गला काटे, कोई अपने भाई का गलदन उड़ा दे, कोई माँ का गला काटना सीखना चाहे, अपने भाई का गला सीखना चाहे, तो आपसे आके कोचिंग दे, कोचिंग करे, आप वही हो ना, आपको कौन नहीं जानता है। जैसे ही लखन के ये शब्द, अब परशुराम पूर्ण क्रोध में, बस लगता है कि ये बच्चा अपने माँ को निपुति बनाना चाहता है, तुमको मालूम नहीं मैं कौन हूं। परशुराम के हाथ में हथियार उठे, हथियार उठाकर जो है लक्ष्मण की ओर बढ़े परशुराम। लक्ष्मण ने देखा, कहा कि महाराज महाराज आपको हथियार उठाने की जरूरत नहीं, आपकी ये जो वाणी है ना, ये आपकी वाणी आपकी गोली नहीं, ये बंदूक की गोली है, आपको कोई शस्त्र उठाने की जरूरत नहीं महाराज। लक्ष्मण ने इस प्रकार जो है परशुराम के को जवाब दे रहे, परशुराम पूर्ण आक्रोश में होकर उन शस्त्रों को लेकर लक्ष्मण के ऊपर भाग रहे हैं, और परशुराम ने देखा कि ये शस्त्र चल क्यों नहीं रहे। परशुराम ने कहा कि आज मेरे ये शस्त्र चल क्यों नहीं रहे। लक्ष्मण ने कहा कि महाराज महाराज ये शस्त्र निर्जीव हो के भी समझ गए किसके ऊपर चलना है किसके ऊपर नहीं चलना है, आप तो महाराज सजीव हो इसको समझ तो जाओ, कम से कम थोड़ी सी तो समझ में आओ, मैं तुम्हें मार दूंगा। लक्ष्मण ने कहा कि महाराज, परशुराम का क्रोध बढ़ते गया। लखन ने कहा कि महाराज सच बताओ, सच बताओ, मैं तो आपको देख ही नहीं रहा हूं, क्योंकि हमारे रघुकुल में है स्त्रियों के ऊपर, बच्चे के ऊपर और ब्राह्मण के ऊपर कभी हाथ नहीं उठाया जाता है। महाराज आप मुझे दिख नहीं रहे हो, सच बताओ आपका त्रिभुंड और आपका जनेऊ मुझे दिखाई दे रहा है, अगर आपको युद्ध ही करना है ना, पोंछ दो अपना त्रिभुंड, निकाल दो अपना जनेऊ, और मैं भी देखता हूँ सुमित्रा के दूध में कितना ताकत आई है सामने। इस प्रकार लखन के क्रोध, देखिए सनातन धर्म की रक्षा करने के लिए यही जोश होना चाहिए, सनातन धर्म का रक्षा। आज जो इस माहौल चला है ना भक्तों, इस माहौल को बना के रखिएगा, क्योंकि अब ये माहौल आपको राम राज्य की तरफ लेकर चलने वाला है। इस उत्साह को कभी समाप्त मत होने दीजिएगा, इस उत्साह को, क्योंकि ये उत्साह आपको राम राज्य में जीने का अवसर प्रदान करेगा। लखन का इस प्रकार का आक्रोश, राम आगे आए, राम ने देखा कि अभी मैं रोका नहीं तो अनर्थ हो जाएगा, राम आ गए और राम आगे आकर परशुराम को माफी मांगने लगे, परशुराम को माफी मांगने लगे कि गुरुवर क्षमा करिए, ये छोटा मुंह अभी ये बालक है, ये लखन मेरा भाई है, छोटा भाई है, ये बालक है, आप इसको माफ कर दीजिए। परशुराम ने कहा तेरा भाई, तू इतना शांत है, तू इतना शांत और तेरा भाई ऐसा, उसके मुख में जहर है जहर। लक्ष्मण ये सब सुन रहे हैं और परशुराम कह रहे हैं राम को कि ये तेरा भाई तेरे अनुकूल है ही नहीं बिल्कुल। लक्ष्मण जी फिर से आ गए हैं खुद के, बोले महाराज सच में आपने कहा, मैं राम जैसे लोगों के लिए अनुकूल नहीं हूं, लेकिन आप जैसे लोगों के लिए एकदम अनुकूल हो, सही बात आपने कहा, आप तो परम विद्वान हो, पक्का है विद्वान हो। परशुराम का क्रोध, परशुराम ने कहा कि मुझे तुम दोनों के ऊपर दया खा रहा हूं, मैं अपने मुंह को बंद रख दया खा रहा हूं। लखन ने कहा कि महाराज आप दया खा रहे हो, आप दया खा रहे हो तो आपकी यह हालत है, जब आप क्रोध करते होगे तो जल के भस्म ही हो जाते होगे। बस राम आगे फिर से आए, लखन को रोके,
और आके प्रणाम किए परशुराम के चरण कमलों में। जैसे ही प्रणाम करने गए परशुराम को जो है वक्ष स्थल पे लक्ष्मी जी का चरण चिन्ह और भृगु के चरण को देखे जैसे परशुराम, परशुराम ने कहा ओ विष्णु ने अवतार ले चुके हैं। परशुराम तुरंत ही प्रणाम किए और वहां से निकल पड़े। विश्वामित्र अयोध्या, अयोध्या के लिए अभी पत्र भेजे। अब देखिए यहां पे वरमाला हुआ है। अयोध्या के लिए पत्र भेजे और जनकपुर से जुलूस निकला अयोध्या की तरफ। जैसे हमने अभी जुलूस निकाला था ना राम शोभा यात्रा, ऐसे ही जनकपुर से जुलूस निकला अयोध्या की तरफ। और जनकपुर ने जो है पहले से अयोध्या में संदेश भेज दिया गया था विश्वामित्र के द्वारा। उसके बाद देखे विवाह हुआ, चार चार मंडप लगाए गए, राम का सीता के साथ, भरत का मांडवी के साथ, लक्ष्मण का उर्मिला के साथ, शत्रुघ्न का सुत्रकृति के साथ, चार चार मंडप। और मार्गशीर्ष महीना शुक्ल पक्ष पंचमी तिथि के दिन जो है बड़ा सुंदर रूप से मंगल गीत को गाते हुए ये विवाह संपन्न हुआ। तो आइए थोड़ा से विवाह का उत्सव है तो हम भी थोड़ा मंगल गीत गा रहे थे। चोख पुरा माटी रंगा मंगल गीत भगवान राम का विवाह का, मंडप में बैठे हैं सब लोग। चोख पुरा माटी रंगा Thank you.
संपन्न हुआ। अब विदाई का समारोह, जनक अपने बेटी सीता का विदाई के लिए बड़ा ही करुण चपाइयों में जो है गोस्वामी जी सीता के इस विदाई समारोह का वर्णन करते हैं। सुनेना, एक मां अपनी बेटी को विदाई कर रही है और विदाई करते समय उस सीता को उपदेश दे रहे कि बेटी सास ससुर गुरु सेवा करे हूं पति रुख लगिया यशो न से सास ससुर गुरु बेटी को विदाई करते समय सुनैना कह रही है कि बेटी तुम जब ससुराल में जाओगी तीन बातों को बता रही है। देखिए सीरियल में सास ससुर और गुरु, सास ससुर गुरु और पति चार की बातें किया। तुम अपनी सास की सेवा करना, ये उपदेश सुनैना दे रही है कि सर्वप्रथम तुम्हारी सास की सेवा करना, तुम्हारे ससुर की सेवा करना और गुरु की सेवा करना। आज की मां उपदेश देती है, क्या देती है कि सांस, अगर सांस नहीं लेने देती तो उसका सेवा मत करना। समझ में आया? अनुभवी लोग बैठे हैं। लेकिन सुनैना अपनी बेटी को विदा करते समय कह रही है और पति के रुख के अनुसार उसके भावनाओं को समझ के उसकी सेवा करना। लेकिन आज की मां सिखाती है कि पति को कंट्रोल में रखना और पति को अपनी सेवा में लगा के रखना, ये आज की माता कहती है। इसलिए सारी समस्या है, इसलिए सारे प्रॉब्लम है ना। बोलते ना जीवन में ये समस्या है, ये हुआ, कारण यही है। इन आदेशों को, इन चरित्रों को अपने जीवन में उतारना चाहिए। अनेक चौपाइयों में वर्णन है लेकिन हमको पूर्णावती की तरफ बढ़ना है। पढ़िएगा इन चौपाइयों को और अपने जीवन में उतारने का प्रयास करिएगा। अब जो है बारात जनकपुर से अयोध्या पहुंची है। स्वागत के रूप में सुंदर अयोध्या को सजाया गया, जैसे आज अयोध्या को सजाया गया। सब लोग, मुझे ऐसा नहीं लगता है कि यहाँ पे जितने लोग भी आप बैठे हो सुबह उठते ही उस चमचमाती अयोध्या का दर्शन नहीं करते हो। इस समय की बात है, भयंकर रूप से अयोध्या का सजावट, विवाह के उपरांत सुंदर जो है अयोध्या में स्वागत हुआ रामचंद्र का। रामचंद्र की सुंदर गृहस्थी राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, गोस्वामी जी कहते हैं जब से राम विवाह करके आए हैं मानो अयोध्या में उत्सव ही उत्सव हुआ है। जब ते राम ब्याह घर आवे मंगल राम विवाह करके आए हैं अयोध्या में सीता के साथ। चारों भाइयों का विवाह हो चुका है, सब लोग अयोध्या में आ चुके हैं। सुंदर अयोध्या का वातावरण, हाँ जब विवाह करके आए तो गोस्वामी जी ये वर्णन करते हैं। जब ते राम ब्याह घर आवे मंगल मोदर
सा ओ भर भारी विवाह करके जब राम आए हैं नित्य मंगल चल रहा है और ऐसा वर्णन है कि उस समय इंद्र चंद्र सब देवता इतने प्रसन्न हैं और अयोध्या के प्रजा इतनी प्रसन्न है कि अयोध्या के जो किसान थे ना वो आदेश देते थे आज मेरे खेत में बारिश हो तो इंद्र उनके खेत में स्पेशल बारिश करता था। क्या प्रजा के मन की बात को श्रवण हो रहा था, मन की बात को सुना जा रहा था, सारी अयोध्या बिल्कुल प्रसन्नमय। जिस समय आज सब लोग बड़े उत्साह के साथ इस राम लला के प्राकट्य दिवस को मना रहे हैं, पूरे विश्व में राम राम की धुन गूंज रही है, सारे विश्व में राम की चर्चा, और उस प्रकार उस समय भी अयोध्या में सुंदर सुंदर जो है मंगल गीत कीर्तन और सब लोग जो है मानो जैसे सभी के हृदय में है आनंद प्रफुल्लित हो रहा है, सबके मन में सुख आनंद परम रूप से बहने लगा। ये जो आनंद है राम राज्य है भक्तों, इन चीजों से सीखना चाहिए कि अभी अभी अयोध्या में राम की प्रतिष्ठा हुई है। ये जोश है जो ये राम के प्रकट होने का जोश है, जब तक आप सब बना के रखेंगे आपके घर में ही नहीं पूरे समाज में पूरे विश्व में राम राज्य वाला ही माहौल रहेगा, हमेशा मंगल मंगल ही, हमेशा आनंद आनंद ही, क्योंकि जहां भी मंगल भवन अमंगल हारी है निश्चित रूप से वहां पे हमेशा मंगल मंगल ही है। हे मंगल भवन रामचंद्र भगवान की सियावर रामचंद्र की जय। भक्तों ये उत्साह हमेशा रखना चाहते हैं, हमेशा राम की कथाओं को श्रवण करिए। हम नित्य रूप से कथा श्रवण करेंगे तो यही आनंद रहेगा। आनंद है कि नहीं आप लोगों को? हो रहा है कि आनंद किसको किसको नहीं हो रहा है? गलती से भी नहीं उठाएंगे, गलती होगा नहीं क्योंकि आज का समय ऐसा चल रहा है। हम ये आनंद चाहते हैं ना, सदैव ये आनंद हमारे पास रहेगा अगर राम को कृष्ण को अपने जीवन में रखेंगे। मैं पूर्णाहुति की तरफ प्रवेश करूं, मैं इस पूरे 5 दिन के सत्र को सार के रूप में आए, क्योंकि पूर्णाहुति में जो आता है ना, यहां पे आज पहली बार भी कोई आया होगा है ना, ये 5 देखिए इतने सारे लोग पहली बार आए, तो पूर्णाहुति के दिन आने पे सब दिन का फल प्राप्त हो जाता है। लेकिन रुकिए रुकिए रुकिए, लेकिन कब फल प्राप्त होता है? जब मैं इस सार बातों को जो बता रहा हूं ना उसको पकड़ लीजिएगा, ठीक है? जिसने 5 दिन तक कथा सुना वो लोग पकड़े हैं, लेकिन जो आज आए हैं उनको पकड़ना है। आज मैं 3 बातों को बताऊंगा, पूरी कथा का राम कथा का सार, उस सार को लेकर जाइएगा आप लोग, उन 3 बातों को, निश्चित रूप से आपके जीवन में आनंद आएगा। नहीं आएगा तो मेरा नंबर भी लेके जाइएगा आज और मुझे पकड़िएगा और सुनाइएगा, और झापड़ भी बचा सकते कि आनंद नहीं आया, समस्या समाधान नहीं हुआ। ध्यान से सुनिएगा इन 3 बातों को। देखिए
राम कथा जो है, प्रभु राम की कृपा जो है, ये डायरेक्ट प्रकट नहीं होती है। प्रभु राम की कृपा, अहिल्या के ऊपर भी राम ने कृपा किया तो माध्यम कौन बना? विश्वामित्र ने बना। विश्वामित्र ने कहा कि कृपा करो, जब तक भक्तों की संगत नहीं है, साधुओं की संगत नहीं है, तब तक भगवान हमारे ऊपर कृपा नहीं करने वाले हैं। तो आप जीवन में आनंद को प्राप्त करना चाहते हो तो कभी भी भक्तों की संगति को मत भूलिएगा। भक्तों की संगति करने के लिए आपको नित्य रूप से प्रयास करना है, भक्तों के संग में रहना है। और मैं आपको बताऊं, अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ इस्कॉन, जिसके संरक्षण में आप बैठकर एक कथा को श्रवण कर रहे हैं, इस्कॉन में जो कि इस्कॉन का कार्य गीता भागवत का प्रचार प्रसार करना, राम कथा का प्रचार प्रसार करना, घर घर तक राम को पहुंचाना, एकमात्र इस संस्था का उद्देश्य है, एकमात्र उद्देश्य। इस संस्था का यह उद्देश्य इसलिए है कि लोग गीता और भागवत को, रामायण को अपने जीवन में उतारे, अपने जीवन में लाए, ताकि उनके जीवन में सुख और शांति प्राप्त हो। ये संस्था का एकमात्र उद्देश्य है। इसके लिए ये संस्था कोई मूल्य नहीं लेती है, फ्री में इसको बांटती है। घर घर तक गीता, घर घर तक भागवत, घर घर तक रामायण और घर घर तक अन्नदान, ये पूरे साल हमेशा के लिए वितरण होता ही रहता है। तो जुड़िए अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ इस्कॉन से। आप जुड़ेंगे ना तो क्या होगा बताएं? साधुओं की संगत मिलेगा, भक्तों की संगत मिलेगा, और भक्तों की संगत मिलने से भगवत प्राप्ति होता है, भगवान आते हैं हमारे पास। सबरी, समय नहीं है, हमने सबरी की कथा नहीं सुन पाए, मैं पूर्णावधि की तरफ प्रवेश कर रहा हूं, लेकिन सबरी को स्मरण करें तो सबरी ने भी मातंग ऋषि का सेवा किया, और मातंग ऋषि जाते जाते उन्होंने क्या बोल दिया, सबरी मैं तो शरीर छोड़ के भगवान के धाम जा रहा हूं, लेकिन सबरी तुमने जो साधुओं की सेवा किया है ना, उन साधुओं की सेवा से राम के पास जाना नहीं पड़ेगा, राम तुम्हारे पास चल के आएंगे, सबरी राम चल के आएंगे। और ढूंढते ढूंढते राम, उस जंगलों में से ढूंढते ढूंढते राम आ रहे हैं सबरी के पास, एड्रेस पूछ रहे, अनेक संतों से पूछे, संत बोले कि आप वहां कहां जा रहे हैं महाराज, हमारे आश्रम में रुक जाइए। बोले नहीं, सबरी के पास जाना, मुझे एड्रेस बताओ। खोजते खोजते आए सबरी के पास। सबरी इंतजार कर रही थी ना, भगवान राम का इंतजार कर रही थी, क्योंकि गुरु ने कहा है, मातंग ऋषि ने कहा था कि सबरी चिंता मत करना, तुमको मिलने के लिए भगवान आएंगे, राम आएंगे आएंगे राम आएंगे। गाने का समय नहीं है अभी, आप लोग भूखे रह जाएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे राम। सबरी इंतजार कर रही है प्रभु का, आएंगे राम आएंगे राम। मेरी झोपड़ी के भाग भूल जाएंगे राम आएंगे, झोपड़ी के भाग राम आएंगे आएंगे राम आएंगे राम आएंगे आएंगे राम आएंगे राम आएंगे आएंगे राम आएंगे राम आएंगे आएंगे। भक्तो, सबरी ने अपने गुरु के वचनों को ध्यान में रखते हुए, गुरु ने कहा राम आएंगे, सबरी में एक नहीं दो नहीं, सबरी ने पूरे 11 साल तक इंतजार किया, और हम लोग भी एक नहीं दो नहीं पूरे 500 सालों तक इंतजार किए, और आज राम आ गए। जय श्री राम, जय श्री राम।
पढ़ के भाग आज खुल जाएंगे राम आ चुके हैं, लेकिन सवरी का प्रसंग चल रहा है इसलिए स्मरण है। राम आएंगे आएंगे राम आएंगे राम आएंगे राम आएंगे राम आएंगे आएंगे राम आ चुके हैं। राम तो हमारे भी इंतजार के इस बात राम आ ही गए। राम आएंगे तो क्या करेंगे? राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगे दीप जला के मैं दिवाली मनाऊंगे दीप जला के मैं दिवाली मनाऊंगे दीप जला के मैं दिवाली पूर्णावती की तरफ। आज समय नहीं है, सब लोग बैठिए, बैठिए जहां वहीं बैठ जाइए, चिंता नहीं, बस किसी के सर के ऊपर ना बैठिएगा। शबरी को विश्वास था कि उनके गुरु के साधु के वचन की साधु ने कहा है, गुरु ने कहा है तो राम आएंगे तो आए। अच्छा भक्तों, मैं अभी पहली बात को बता रहा हूं पूर्णावती का सार के रूप में। पहली बात कि अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावना में से संघ से जुड़िए, साधुओं की संगत करिए, गीता रामायण भागवत को अपने घर में लाइए। ये प्रतिदिन कार्य ये संस्था कर रही है। अब जब सबरी के पास राम आए तो क्या हुआ? सबरी ने जूठे बैल खिलाए। अभी भजन पूरा गाने का समय नहीं था, वो तो मैं गाना भी नहीं था, लेकिन आप लोग
ऐसा उठते गए तो निकल गया, लेकिन सबरी ने झूठे बेर खिलाए। लेकिन भगवान ने सबरी के झूठे बेर को क्या किया, खा लिया। क्यों खा लिया भाई, उनको बेर के भूखे हो क्या? था सबरी के उस झूठे बेर में प्रेम था, प्रेम के बंधन में नहीं नहीं भाई बंध गई हो, नहीं पता नहीं कहां से कहां चलेगा। आप लोग मुझे दौड़ा लोगे, घेर लोगे, समस्या हो जाएगा। लेकिन प्रेम, प्रेम सार को समझिए, पकड़िए सार को। प्रेम है तो झूठे बेर भी भगवान ने खाया। लेकिन सबरी ने जब भगवान को बोला कि प्रभु आप कुछ मुझे आदेश, कुछ उपदेश दीजिए, तो सबरी ने जो उपदेश दिया, अद्भुत उपदेश, पूरी ही राम कथा का सार के रूप में उपदेश भगवान के मुख कमल से निकला सबरी के लिए। सबरी को आदेश देते हुए, उपदेश देते हुए सबरी को भगवान कह रहे हैं, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वास, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वास, पंचम भजन सोवे प्रकाश। सबरी, सबरी को भगवान मिल चुके हैं, लेकिन सबरी ही को भगवान राम क्या कह रहे हैं कि सबरी मंत्र जाप दृढ़ विश्वासा, सबरी मंत्र का ये लो मंत्र, इस मंत्र का जाप करो। भगवान राम सबरी को हरिनाम के साथ विवाह करा रहे हैं। सबरी विवाह छोड़ के भाग के आई थी, हरिनाम के साथ विवाह कर रहे हैं। क्योंकि जिस तरह से सारी नदियां जो है घूमकर अलग अलग स्थानों से, गंगा, यमुना, सरस्वती, नर्मदे, सिंधु, कावेरी, सारी नदियां अंततः जाके सागर में मिलती है, उसी प्रकार सारे वेद पुराण, भागवत, महाभारत, रामायण, सब कुछ आकर अंततः कहां मिलते हैं, महामंत्र में मिलते हैं। महामंत्र क्या है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये मंत्र राम ने सबरी को दिया कि इस मंत्र का तुम सहारा लो, इस मंत्र का जप करो। और मैं आपको बताऊं, इस मंत्र का जो सबसे बड़ा धन है, अब भगवान राम ने जब सार के रूप में दिया, अब इससे बड़ा धन क्या हो सकता है संसार में, हो सकता है कोई, नहीं हो सकता है। क्योंकि यही राम, यही कृष्ण जब इस कलयुग में चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए, तो चैतन्य महाप्रभु बनारस के उस काशी के घाट पे सनातन को शिक्षा देते हुए कहते हैं कि सनातन, प्रभु को हे सनातन, प्रभु को हे सनातन, कृष्णेर रतन धन, प्रभु को हे सनातन, रामेर रतन धन, अनेक जतन जुड़ाय। सब बड़े उत्साह में है। प्रभु कहे, भगवान कह रहे हैं सनातन, इस सब संसार में सबसे बड़ा अगर कोई धन है तो है राम का नाम का धन है। वो धन क्या है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। प्रभु रामचंद्र ने ये धन सबरी को दिया, चैतन्य महाप्रभु ने सनातन को दिया, और यही धन आज अंतरराष्ट्रीय पूरे वैश्विक स्तर पे, आज यही धन इस्कॉन जो है प्रतिदिन दिन रात इस्कॉन के भक्त जो है वितरण कर रहे हैं पूरे संसार में, यही धन को जो धन राम ने दिया। इसलिए भक्तों इस्कॉन से जुड़िए। प्रथम बात, मैं कोई इस संस्था में हूं करके उसकी बड़ाई नहीं कर रहा हूं। आप देखिए कि
पूरे वैश्विक स्तर पे अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ जिसके संस्थापक आचार्य हिज डिवाइन ग्रेस एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जिन्होंने पूरे विश्व में तहलका मचाया मात्र 11 सालों में 108 मंदिरों का निर्माण और यहाँ तक कि पूरे विदेशों में भी प्रचार करके जो नशे में धुत थे दिन रात ड्रग्स लेते थे ऐसे लोग को भी मुंडन करके सन्यासी बना दिया। किसका देखे? यही नाम को देकर। भक्तों इस नाम को अपने जीवन में लीजिए। राम ने इस राम कथा का सार यही है, इस नाम को लीजिए। आप मिलिए हमारे इन भक्तों से, छोड़िएगा मत इनको, मिलिए। वो नाम देंगे आपको, माला देंगे और आप मिलेंगे, माला देंगे, नाम भी देंगे, बताएंगे भी, और फ्री आप कॉस्ट कोई चार्ज भी नहीं है इसका, फ्री में देंगे इसको क्योंकि फ्री में बांट रहे हैं। आपको जाने की जरूरत है, केवल गुरु के पास जाइए, साधुओं के पास जाइए, प्रथम बात। दूसरी बात, हमने कल जन्म की कथा श्रवण किया था, ये बात रह गई थी। भगवान शिव जी जो है कथा सुनाते हुए क्या कहे, राम जन्म के हेतु अनेका, अनेक हेतु को बताए, एक दो हेतु को हमने सुना, लेकिन मैं आज आपको बताऊं कि राम जन्म, भगवान राम का जन्म भागवत प्रमाण देता है। गो विप्रसुर साधु नाम, भगवान राम का जन्म गौओं की रक्षा करने के लिए, साधुओं की रक्षा करने के लिए, और जो उनकी भक्ति कर रहा है उनको आनंद देने के लिए। एकमात्र ये अंदर की बात है कि भगवान इसके लिए जन्म लेते, अवतार लेते हैं आनंद प्रदान करने के लिए। दूसरी बात जो मैं आपको बोल रहा हूं कि भगवान जिसके लिए आते हैं ना उस गौ माता की सेवा करिए। दूसरी बात, क्योंकि इस गौ माता की सेवा से करने से ही आज हमारा रामायण का भी पुष्टि होगा, पूर्ण होती होगा, और आपके जीवन का भी उद्देश्य पूर्ण होगा, मनुष्य जीवन सफल होगा गौ की सेवा करेंगे। देखिए गौ की सेवा करने से केवल नारा लगाने से नहीं होगा, गाय हमारी माता है, गाय हमारी माता है, सबको मालूम है गाय हमारी माता है। क्या उस गाय को बचाने के लिए हम क्या कर रहे हैं? उस गाय को बचाने के, जो गाय हमारी माँ है, सात प्रकार की माताओं में से एक माँ है गौ माता, आत्म माता, गुरु पत्नी, ब्राह्मण राज पत्नी का, धनुर्धाती तथा पृथ्वी सप्तता मातृस्मृता, ये सात माताएं का वर्णन हमारे वेदों उपनिषदों में है, जिसमें गौ हमारी माता है। पूज्य कमलोचन पो यहाँ पे नहीं है, लेकिन वो गौ भक्त है, महान गौ भक्त है। एक बार राजस्थान के एक सम्मेलन में उनको बुलाया गया और संबोधन देने के लिए कि गाय के विषय में कुछ बताइए, और गाय का माता का वर्णन कर रहे हैं, गौ माता का वर्णन कर रहे हैं, और प्रभु जी ने पूछा, सबसे प्रश्न पूछा कि इस संसार में है, इस संसार में है कौन से जानवर का दूध श्रेष्ठ है? प्रभु जी ने प्रश्न किया था, इस संसार में कौन से जानवर का दूध श्रेष्ठ है? सबने हाथ खड़ा करके बोला गाय का। प्रभु जी ने बोला गलत, गलत, इस संसार में दूध सर्वश्रेष्ठ है भैंस का। सबने सोचा कि महाराज गौ सम्मेलन में आया है या गाय की निंदा करने आया है। कमलोचन पो ने कहा कि मैंने पूछा इस संसार में कौन से जानवर का दूध श्रेष्ठ है, आप सबने कहा गौ का। प्रभु जी ने कहा कि गौ जानवर है नहीं, गौ हमारी माता है, और उस माँ का जो दूध है वो अमृत के समान है, अमृत है। गाय हमारी माता है, विश्व में केवल नारा लगाने से नहीं, हमारे संस्था के संस्थापक आचार्य हिज डिवाइन ग्रेस एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद हमेशा इस बात को कहते हैं कि संसार में शांति लाना चाहते हैं, शांति लाना चाहते हैं, शांति तब तक नहीं मिलेगा जब तक इस धरती पे गौ माता का खून गिरता रहेगा, तब तक शांति कभी नहीं आ सकता है इस संसार में। इसलिए गौ बंद कराओ भक्तों, ये दिन आ रहा है धीरे धीरे, सपोर्ट करिए, ये दिन धीरे धीरे आ रहा है, इस सब गौ हत्या बंद होना चाहिए। लेकिन गाय की सेवा, सार के रूप में कहूं, गाय की सेवा करना है तो क्या करेंगे, फ्लैट में गाय को बांधेंगे लाके? नहीं ना, लिफ्ट में आएगा नहीं, लिफ्ट बनाना पड़ेगा उसके लिए, फिर घर में जाएगा पता नहीं क्या होगा। गाय की सेवा करने के लिए क्या करना है,
जो लोग गाय की सेवा कर रहे हैं उसको मदद करिए। कमलोचन प्रभु ने बहुत सुंदर व्यवस्था किया है यहाँ पे वापी भक्तों के लिए, वापी के सभी के लिए है कि गौ की सेवा करने का, घर बैठे बैठे सेवा करने का लाभ प्राप्त करें। गाय माता के द्वारा जो प्रोडक्ट आता है उन प्रोडक्ट को यूज करिए अपने जीवन में, फेंक दीजिए टूथपेस्ट को, मंजन दंत मंजन को यूज करिए, क्योंकि जो टूथपेस्ट आप यूज करते हैं उसमें इसी गाय माता के हड्डी का इस्तेमाल हुआ है। अपनी माँ की रक्षा चाहते हैं ना, उन टेस्ट पोस्ट को फेंक दीजिए, दंत मंजन को इस्तेमाल करिए। हमारी गौ माता से अनेक प्रकार के अमृत निकलता है, उस अमृत का पान करिए, अपना जीवन को सुखमय बनाइए। भक्तों थोड़ा से भी अगर आप प्रीवियस जाएंगे ना, पिछले 50 साल पहले आप देखेंगे ना, हमारे बुजुर्ग लोग 100-100 साल तक जीते थे, आज कौन 100 साल जी रहा है? कारण यही है कि गौ माता को हमने बाहर निकाल दिया। आज गौ सेवा करेंगे घर बैठे बैठे गौ माता के प्रोडक्ट को यूज करके। हमारे प्रभु जी ने और मंदिर के सभी भक्तों का एक प्रयास है, वापी के भक्तों का प्रयास है कि ये गौ माता के अमृत को घर घर पहुंचाया जाए। और वापी दमन सिलवासा जो भी क्षेत्र है, हमने इस गौ माता के अमृत को, गौ माता के हर एक प्रोडक्ट को घर घर पहुंचाने का एक संकल्प लिया है। उस संकल्प से आप जुड़िए और गौ माता की सेवा करिए। यहाँ पे आपके पास स्टॉल लगा हुआ है, वहां पे विजिट करिएगा, अपना नंबर दीजिएगा, आपके घर घर तक ये अमृत पहुंचेगा। आप बोल रहे हैं कि आप कुछ प्रचार कर रहे हैं, मैं कुछ प्रचार नहीं कर रहा हूं। अपनी माँ को, अब मेरी माँ को बचाना है ना, मैं इस व्यास आसन पर से भी बोलूंगा, क्योंकि माँ की रक्षण करना है, संकल्प लेना है। जब तक हम माँ को रक्षा करने का संकल्प नहीं लेंगे, तब तक हमारा जीवन में कौन सी भक्ति आएगा? वो भगवान जो गौ माता के लिए प्रकट होते हैं, गौ माता की रक्षा करने के लिए, गौ माता के लिए प्रकट होते हैं, उस माँ की सेवा नहीं करेंगे तो कौन सा भगवान प्रसन्न हो जाएंगे? उस माँ को बचाइए, आप मिलिएगा स्टॉल्स पे। ये दूसरी बात है गौ सेवा का, जीवन में लाइएगा। गौ की बात आती है ना, मैं अपने आप को रोक नहीं पाता हूं। मैं अभी बैठे बैठे मैं आपको चैलेंज देता हूं, अगर मैं गौ के ऊपर बोलना चालू करूंगा अब सुबह हो जाएगा, यहां से हिलेंगे तक नहीं। गौ माता की इतनी महिमा है, क्योंकि गौ माता और भगवान ये बहुत जुड़ी हुई चीज है। गौ माता से दूर भगवान बहुत दूर, ये सार बताना है, इसलिए मैं इन बातों को बता रहा हूं। दूसरी बात, तीसरी बात भक्तों की, एक तो इस कौन से जुड़िए, दूसरा जो है गौ माता की सेवा करिए, और तीसरा इस नाम को अपने जीवन में लाइए, हमारे भक्तों से मिलिएगा। आपको हमारे भक्त मिलेंगे, हमारा जो एक भीष्मा डिपार्टमेंट है जिनमें भक्तों ने बहुत सेवा किया, सेवा करते हैं सभी को एन तेन प्रकार ने आपकी क्षमता के अनुसार। ऐसा नहीं कि पैसा देना होगा, आपको जोड़ते हैं भगवान का प्रसाद देने के लिए, दर्शन दिलाने के लिए, एन तेन प्रकार हमारी मति कैसे लगी रहे, ये पूरा भक्त समाज मिलकर जो है वो प्रयास कर रहे हैं। आप जुड़िए, अपने कॉन्टेक्ट नंबर को जरूर देकर जाइएगा। यहाँ पे आज भक्तगण मांगेंगे आपसे कॉन्टेक्ट नंबर, वो कॉन्टेक्ट नंबर देने के बाद देखिए हो सकता है कि आपका जीवन बदल जाए। और ऐसे यहाँ पे अनेक कृष्ण भावना में इससे जुड़े हुए भक्त बैठे हैं जो पहले अनेक प्रकार के समस्याओं में थे, लेकिन कहीं ना कहीं इन भक्तों को अपना कॉन्टेक्ट दिया, आज उनका जीवन सफल हुआ है और एक सुंदर जीवन यापन कर रहे हैं, यहीं पे प्रमाण के रूप में बैठे हुए हैं। इसलिए नंबर देना कभी बिल्कुल मत भूलिएगा यहां से जब जाएंगे तो। ये तीसरी बात, इसको ध्यान में रखिएगा। और मैं साथ साथ में यह भी बताऊंगा कि इस देखिए अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ जो है ना, केवल कथा करके खूब हंगामा किया, खूब नाचा डांस किया, ये किया, बस मंगलम रोक मंजलम के लिए हम कोई प्रोग्राम करते ही नहीं है। हम प्रोग्राम करते हैं आपको, जिसने भी अटेंड किया उसको कुछ देने के लिए करते हैं, और एक दिन के लिए नहीं, उसका पूरा जीवन रक्षण करने के लिए, और उसका पूरा जीवन का टेक केयर हम लेते हैं, पूरा जीवन का टेक केयर लेते हैं। उनके जीवन में जो कुछ भी दुख है, जो कुछ भी समस्या है, कुछ कल मुझे कई सारे लोग मिले यहाँ पे, कुछ माताएं बैठी हैं, कुछ प्रभु बैठे हैं, अपने घर के अनेक समस्याओं को बताया, उनको मैंने दिया नंबर कि आप ऐसे आके मिलिएगा, इस प्रकार करेगा, हम आपको सहायता करेंगे। आप कॉन्टेक्ट देंगे ना तो निश्चित रूप से आपको ऐसी चीजें प्राप्त होगा।
देखिए इस प्रोग्राम के बाद क्या, कल से क्या पूर्णावती तो हो गया, कल से क्या, तो एक फॉर्म आपको यहां पे मिलेगा, इसका रजिस्ट्रेशन जरूर करिएगा। 3 दिन का प्रोग्राम हम इसके बाद कर रहे हैं फरवरी में, 7, 8, और 9 फरवरी को उपासना स्कूल देखे ना, उसका एसी हॉल है, एसी हॉल में 3 दिन का ये प्रोग्राम है भगवत गीता के ऊपर, उसमें पार्टिसिपेट करेगा रजिस्टर, लेकिन वही पार्टिसिपेट करेगा जो रजिस्ट्रेशन करेगा, क्योंकि एसी हॉल प्रोवाइड करेंगे, प्रसाद डिनर प्रसाद हम प्रोवाइड करेंगे, अनेक प्रकार के तैयारियां कर, तो हमको भी पता होना चाहिए कितने लोग आ रहे हैं, लिमिटेड सीट है वहां पे। आप इस रजिस्ट्रेशन को करिएगा, हम हर एक प्रोग्राम में आपको कुछ ना कुछ देते हैं, लेके भक्तों कुछ नहीं जाते हैं, इसलिए अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना में इससे जुड़िएगा। अंत में मैं इस पूर्णावती को करते हुए मैं आप सभी को धन्यवाद देता हूं, विशेष रूप से हमारे जो यहाँ लेफ्ट में बैठे हैं, जिन लोगों ने भी इस प्रोग्राम के इस राम कथा को सुंदर उन्होंने रूप दिया, और सुंदर बजाने वाले हमारे लाल दास, हाँ सुंदर आपको तबला बजाकर, और उनके साथ में है सुंदर म्यूजिशियन, क्या नाम प्रोजी का, पूरन प्रभु, लाल दास को पूरा करने वाले पूरन प्रभु, और ये दोनों, ये लाल दास जी जो है ना, एक बहुत बड़े भागवत कथाकार हैं, मुंबई में कथा चल रही थी उनकी, 2 दिन कथा बाकी थी, उन्होंने उस कथा को छोड़ के इधर आ गए, किसी और को सेटिंग लगा दिया, उनको वापिस या वापिस भक्तों से इतना प्रेम है तो विशेष रूप से इन दोनों को धन्यवाद, और साथ साथ में भक्ति प्रभु जो कि हमारे हर कथाओं में वो साथ साथ में होते हैं, भागवत कथा इत्यादि सब करते हैं, बहुत अच्छा तरह से वो भजन इत्यादि को गाते हैं। आप बैठे रहे, कोई उठेगा नहीं, प्रसाद अभी शुरू होने में 10 मिनट है, अभी आरती होगा, आरती के बाद सुंदर कल्चरल प्रोग्राम है, क्योंकि आज पूर्णा होती है, थोड़ा सा लेट, आज छुट्टी का दिन भी है, और सबके लिए फिश प्रसाद हम सुंदर सुंदर प्रसाद बनाए, चिंता नहीं, भरपूर प्रसाद हम, कोई चिंता नहीं, बैठे रहिए। मैं धन्यवाद देता हूँ भक्ति प्रभु, भक्ति रसामित प्रभु जो कि बड़े भक्ति भाव से जो है ये जो है गाते हैं। हमने अनेक भागवत कथाएं किया साथ में, लेकिन मैं आपको बताऊं ये राम कथा हमारा एक पहला राम कथा है। पता नहीं आप लोग को कितना अच्छा लगा नहीं लगा, अरे चौपाइयां का इतना प्रैक्टिस था नहीं, लेकिन फिर भी हम दोनों का तालमेल तो भागवत कथाएं में रहती है, लेकिन जब रामायण आया तो अच्छे से उसको जोड़ने के लिए हमारे सुंदर गोपाल प्रभु जी बीच में, वो दिखाई नहीं दिए लेकिन बीच में से वो जोड़ के रखे उन चौपाइयों को, ब्राह्मण है वो, और बड़ा सुंदर जो है ये रामचरितमानस को पाठ करते हैं, उनके मुख से मैं सुना हूं, तो उन्होंने भी बड़ा सुंदर तरीके से, नाम भी सुंदर गोपाल प्रभु है, हमारे मंदिर के मैनेजर है, हाँ जो है आप उनसे जुड़िए। और मैं आपको बताऊं ये जो 3 दिन का सत्र है ना, प्रभु जी लेने वाले हैं, रजिस्ट्रेशन करिए, कोई छोड़िएगा मत, हाँ पूरा हॉल मुझे फुल चाहिए, क्योंकि मैं वहां आने वाला हूँ, आऊंगा वहां पे मिलने के लिए, सब लोग भरिएगा। तो धन्यवाद देता हूँ इन भक्तों को जो कि सुंदर रूप से कीर्तन इन चौपाइयों का पाठ किए, और साथ साथ में मैं धन्यवाद दूंगा हमारे गुरु समान बैठे हुए श्री रूप चरण प्रभु, है गुरु लेकिन रहते हैं बड़ा मित्रवत, रूप चरण प्रभु है, प्रियात्मा प्रभु है, जो कि बैठ के उत्साह दे रहे हैं, कृपा कर रहे हैं, उनकी कृपा से ही मैं कुछ बोल पा रहा हूँ, नहीं तो हमारे पास इतनी कोई ताकत है नहीं, मैं आपको बोलूं कि मैं कोई विद्वान हूं नहीं, क्योंकि वो विद्वान चलते फिरते भागवत है, चलते फिरते भागवत है प्रभु जी, लेकिन उनकी कृपा से यहाँ बैठकर हम कुछ बोल पाए, तो उनको भी उनके चरण कमलों में धन्यवाद, उनको भी प्रणाम, और साथ साथ में सुंदर रूप से आप सभी लोगों ने 5 दिन तक पाया कि नहीं, खाया कि नहीं 5 दिन तक, तो जिनका खाया, मैं बैठने के लिए इसलिए बोला, जिनका खाते हैं उनका गुणगान खाना चाहिए, नहीं तो कहते गुणगान, जिसका खाया गुणगान नहीं किया तो खौरिया रोग जो है वो रोग हो जाएगा, अब बोलेंगे खौरिया रोग क्या है, वो मिलिएगा बाद में बताऊंगा मैं, तो जिसका खाया उसका गुणगान तो करना पड़ेगा ना। तो हमारा सुंदर मंदिर का एक फुटफल लाइफ डिपार्टमेंट है, जिसमें हमारे विपिन प्रभु सुंदर गोपाल प्रभु जी आपको स्वादिष्ट स्वादिष्ट व्यंजन जो बना के सुंदर प्रसादम बनाए, भक्तों के मुख से, ब्रह्मचारी भक्तों के हाथों से बनाया हुआ ये सुंदर आप लोगों ने राम कथा में जो प्रसादम पाया है इन भक्तों के द्वारा, तो हमारे इस फूड फॉर लाइफ को भी हमें बहुत विशेष रूप से धन्यवाद देता हूँ, और विशेष रूप से इसमें सहयोग करने वाले
और काफी सहयोग किया हमारे बंसल जी ने, लगता डुंगारे माता जी ने, ये सारे फैमिली ने मिलकर ये संकल्प जो लिया। देखिए एक के वजह से पूर्णाहुति होता नहीं है, कई लोग इसमें भाग लेते तब जाके पूर्णाहुति की तरफ बढ़ते हैं, तब जाके पूर्णाहुति किसी भी यज्ञ का होता है। तो अशोक बंसल जी भी और जो लोगों ने भी और पार्टिसिपेट किए प्रसादम की सेवा में, उनको भी भूर भूर धन्यवाद। आज के पूर्णाहुति में बहुत सारे भक्तों, बहुत सारे माताएं भी, हमारे रमजारवाड़ी की माताएं, वो सब सारे लोगों ने पार्टिसिपेट किया है, सुंदर बाल को बताएंगे, लेकिन सभी को मैं मेरा बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने सहयोग दिया जिसके कारण ये पूर्णाहुति की तरफ हम बढ़ पा रहे हैं। साथ साथ में मैं वापी के सभी समूह, भक्त समूह को प्रणाम करता हूँ, क्योंकि उन्होंने ये मौका दिया मुझे इस प्रकार की सेवा करने के लिए। हमारे ऐसे बहुत सारे सीनियर भक्त माता जी और प्रभु जी सब बैठे हुए हैं, उन सबके भी चरण कमलों में मेरा जो है धन्यवाद कि उन्होंने इस प्रकार का हमको सेवा करने का मौका दिया। और साथ साथ में जो है सभी को धन्यवाद देते हुए अभी मैं आप सब लोग को धन्यवाद देता हूँ। मान लीजिए ये सब लोग रहेंगे और आप लोग नहीं आए होते तो अंततः आप सभी के भी चरण कमलों में मेरा धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इस राम कथा उत्सव को संपन्न बनाने में बहुत सारा जो है अपना सहयोग दिया। शिव जी ने कहा ना पार्वती को, धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, तुम जैसा ना कोई उपकारी कथा सुनने आए, वो सबसे बड़े उपकारी होते हैं। तो आप सबको भी बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आपको इन पांच दिनों में, देखिए ये वाणी है, इस वाणी से कभी भी कुछ निकल गया इस व्यासपीठ पे बैठकर, तो आप मुझे अपना पुत्र, अपना भाई, अपना बेटा जो है, अपना संबंधी सहयोगी, जो कुछ भी मान ले, मान के मुझे क्षमा करिएगा कि मैं कुछ अगर कुछ कठोर शब्द किसी के हृदय को छुआ हो तो मैं आपसे क्षमा याचना करता हूँ कि मुझे क्षमा करिएगा। लेकिन साथ साथ में ये पूर्णा होती है, तो पूर्णा होती देखिए एक चीज के बिना होती नहीं है, वो लास्ट में मैं मानता हूँ, बिना दक्षिणा के पूर्णा होती नहीं होता है। तो दक्षिणा तो देना पड़ेगा ना, नहीं तो आप बोलेंगे पूर्णा होती का फल नहीं मिला। तो कौन कौन दक्षिणा नहीं देना चाहता है? सब लोग देना चाहते हैं, कौन कौन देना चाहता है? सभी लोग। बस इस व्यास पीठ पे बैठकर भक्तों, इस राम कथा के पूर्णा होते के दिन आप सबके चरण कमलों में मैं एक दक्षिणा मांगता हूं, लेकिन आज मैं आपसे तीन तीन दक्षिणा मांगूंगा। आप बोलेंगे कि घर बार कुछ सोना चांदी मत मांग लेना महाराज, टेंशन मत लीजिए, बस एक ही दक्षिणा दीजिए कि मैंने जो तीन बातें सार बताई ना, इस्कॉन से जुड़िए, राम नाम का सहारा लीजिए, नाम अपने जीवन में लाइए और गौ सेवा में भाग लीजिए, ये तीन दक्षिणा ही मुझे चाहिए। जिस दक्षिणा से, जो दक्षिणा आप देंगे ना, मैं यहाँ पे ऐलान करता हूं कि उस दक्षिणा से आपके जीवन में सुख शांति और आनंद ही आनंद आएगा। आप इस दक्षिणा को देकर देखिएगा, बस यही आप सबके चरण कमलों में मेरा निवेदन है, बस इन्हीं सारे बातों से। और साथ साथ में यहाँ पे अग्रवाल समाज के बहुत सारे माताएं आए होंगी है यहाँ पे, मुझे ऐसा विश्वास है, ये सारी माताएं देखिए, और श्याम समिति समाज, श्याम रसोई के नाम से विख्यात है, अच्छे से जानते हैं। इन माताओं ने क्या किया बता, अपना समर्पण, आप लोग जो बैठे ना, इस यज्ञ का जब प्रारंभ हुआ ना, इन माताओं ने 22 तारीख को जिस दिन रामलला का प्रतिष्ठा था, हमने शोभा यात्रा निकाला था, इन माताओं ने अपने सर पे कलश को धारण करते हुए पूरी शोभा यात्रा में चलते चलते इस भाग, इस राम कथा यज्ञ में उन्होंने ये सारे कलश की स्थापना किया। ये उनका रहा समर्पण, और ये उनका जो प्रेम है हम प्रभु रामचंद्र तक पहुंचाते हैं, उन्होंने ये जो प्रेम किया अद्भुत। इन माताओं श्याम समिति के सभी भक्तों को भी मेरा भूरी भूरी धन्यवाद, जिन्होंने इस प्रकार जो है कलश की स्थापना यहाँ पे किया। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, थैंक यू ब्रदर, थैंक यू, हरे Hey.
बहुत बहुत धन्यवाद माताएं, आशीर्वाद दीजिए ताकि, और मैं आप सबसे भी, इन माताओं ने कलश लेकर आए और आप सब भी बड़े प्रेम से कथा श्रवण किए, बस यही आज के दिन पे मैं मांगता हूं कि मेरी जो मति है, मेरी जो मति है मृत्यु पर्यंत भगवान रामचंद्र के चरण कमलों में ऐसे ही राम कथा में मेरी मति लगी रहे, ऐसी याचना मैं इस प्यास पीठ से करता हूं। और आप सब लोग आशीर्वाद दीजिएगा कि मृत्यु पर्यंत मेरी ये मति भगवान के चरण कमलों में लगी रहे, बस यही निवेदन करते हुए मैं रमाई प्राण दास मैं अपनी वाणी को विराम करता हूं। सियावर रामचंद्र भगवान की, राम कथा महा महोत्सव की। तो अभी जो है कुछ अनाउंसमेंट, सुंदर रामायण की आरती होगी और आरती के बाद जो है सुंदर जो है एक 10 मिनट का परफॉर्मेंस बच्चों के द्वारा है राम जी के ऊपर, उनको देखिएगा। सब लोग अपने स्थान पर बैठे रहिए, फिर बाद में जो है माताएं भी जो आए हैं आप प्रसाद वगैरह लेके फिर आप जो है अपना कलश का जो भी सेवा किए जो है आप उसको लेके जाइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको, मैं निमंत्रण देता हूँ कि हमारे मंदिर आइएगा और हमसे जुड़िएगा और अनेक प्रकार के फेस्टिवल प्रोग्राम हम ऐसे करते ही रहते हैं और उसमें जुड़िएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी अनाउंसमेंट ध्यान से सुनिएगा। थैंक यू। हरे कृष्णा।